अच्छा जी, ये आपके सामने एक मैंने फाइल खोली है जो कि ये बता रही है कि ये आपका कोर्स है EEE22233 माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, 3 आवर्स पर वीक के हिसाब से 16 वीक के 48 घंटे की टीचिंग जो है वो इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, और फिलहाल डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो तकरीबन डबल वर्कलोड के साथ थ्योरी के कोर्स को एडवांस पढ़ लिया जाए, ताकि जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो जितना भी आपका लैब वर्क है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो भी डबल वर्क पेस के साथ मुकम्मल कर लिया जा सके। तो इसलिए अभी गालबन आपका जो नेक्स्ट पूरा 1-1.5 महीना है जब तक आप लोग नहीं आते, तो हम ट्वाइस अ वीक मीटिंग करेंगे और इस कोर्स को कवर करेंगे। तो प्रोबेबली जितना भी इसका थ्योरेटिकल कंटेंट है तो वो हम आप लोगों के आने आने तक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और तीनों CLOs लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले तो ये है कि टू दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स विद द इंटरनल आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 8088 माइक्रो प्रोसेसर। स्टूडेंट्स विल डेवलप कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेल 8086 फैमिली असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड आल्सो विल लर्न इंटरफेसिंग टेक्निक्स ऑफ मेमोरी एंड द आईओ डिवाइसेस टू द 8086 एंड 8088। तो ये 3 CLOs हैं जो इस कोर्स में आपने कवर करने हैं, CLO 1, 2, 3। सबसे पहला CLO जो है ये आपका कंप्रीहेंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल्स 8086 8088 माइक्रो प्रोसेसर, रियल एंड प्रोटेक्टेड मोड्स, मशीन कोड्स एंड असेंबली इंस्ट्रक्शंस। ये PLO 1 है, इसका टेक्सोनोमी लेवल C2 है कॉग्निटिव डोमेन में। और ये जो आपको 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनको कवर करने के लिए तकरीबन आपको बुक के 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो इन 6 चैप्टर्स को पढ़ के आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086, रियल एंड प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ड्रेसिंग मोड्स, मशीन कोड्स एंड असेंबली इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपकी चीज़ें आपको समझने के लिए करीबन 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा CLO है एनालिसिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, पिन फंक्शंस, एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल बसेस, मिनिमम मैक्सिमम मोड्स एंड इंटरफेसिंग विद मेमोरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ IOs। ये जो कुछ लिखा हुआ है लिखने में आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को तकरीबन 6 चैप्टर्स आपको इस एरिया के समझने के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे। 6 चैप्टर्स CLO 1 के हो गए, तकरीबन 6 चैप्टर्स CLO 2 के हो गए। और तीसरा CLO जो है वो डिजाइनिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम, हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग यूजिंग एनी माइक्रो कंट्रोलर, जो PIC का भी हो सकता है, AVR का भी हो सकता है, D51 भी हो सकता है, कोई एक फैमिली का माइक्रो कंट्रोलर जो है हम चूज कर लेंगे, क्योंकि किसी एक को भी समझ लें तो बाकियों का समझना जो है फिर वो मुश्किल नहीं रहता। तो बाय दिस वे ये आपका तीसरा CLO होगा, तो एक अलग से कुछ नोट्स या बुक्स जिसके को 2, 3, 4 चैप्टर्स होंगे वो आप इसमें पढ़ेंगे, और इसमें कुछ आप में भी मिनी प्रोजेक्ट और लैब टाइप की चीज़ भी करेंगे। तो ये आपका CLO 3 होगा। तो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है और डिज़ाइनिंग है, ये 3 तरह के CLOs हैं जो कि इस कोर्स में आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। और जो ये CLOs हैं वो 3 PLO से मैप करते हैं। पहला आपका इंजीनियरिंग नॉलेज है, दूसरा आपका प्रॉब्लम एनालिसिस है, और तीसरा डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस है। तो ये आपके 3 PLOs हैं जिनसे डायरेक्टली 1-to-1 आपके इन तीनों CLOs की मैपिंग है। और इंटेल की बुक है द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग बाय बैरी बी ब्रे, और ये आपकी पियर्सन की पब्लिश बुक है, और इसका 8वां एडिशन है जो आप लोग एज ए कोर्स बुक जो स्टडी करेंगे, 2009 का प्रिंट है।
इसके माइक्रो प्रोसेसर की बुक के बहुत सारी कॉपीज जो है वो लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप इशू भी करा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और आपको मैं उसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये उसकी सॉफ्ट कॉपी है बुक की, अभी आपको पॉसिबल नज़र आ रही होगी। सो दिस इज़ द बुक जो इसका 8th एडिशन है, और इसको आप देख सकते हैं कि ये इसका टाइटल पेज है इस बुक का। और इंटेल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग, इसमें 8086 से लेके और कोर 2 तक और पेंटियम 4 तक के जो प्रोसेसर हैं उनकी डिस्कशन की हुई है इस बुक के। आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये 8th एडिशन है, और इसके चैप्टर्स के हिसाब से जो भी हमने डिस्कस किए CLOs, तो ये इसके कॉन्टेंट्स हैं। तो यू कैन सी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर, चैप्टर 2 माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स आर्किटेक्चर, नंबर 3 एड्रेसिंग मोड्स, नंबर 4 डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, नंबर 5 अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, एंड नंबर 6 प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर द 6 चैप्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू CLO1, कंप्रीहेंड द प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शंस। ये 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपका CLO1 का सारा एरिया जो है वो कवर होता है। चैप्टर 7 जो है ये लैब से रिलेटेड एक तरह से, तो इसको लैब में आप कवर कर रहे होंगे। फिर उसके आगे आप देखें चैप्टर नंबर 8, बल्कि 8 भी छोड़ दें, ये 8 और 7 ये दोनों जो है एक तरह के लैब के रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो इनको आप एक तरह से लैब में कवर कर रहे होंगे। तो इसके बाद आप चैप्टर 9 से शुरू करें। चैप्टर 9 जो है वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, चैप्टर 10 जो है मेमोरी इंटरफेस है, चैप्टर 11 बेसिक IO इंटरफेस है, चैप्टर 12 इंटरप्ट्स है, चैप्टर 13 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो ये आपके 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपके जो दूसरा CLO है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के सिस्टम के एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग है और इंटरफेसिंग है, तो ये आपके 5 चैप्टर्स जो है वो CLO2 के लिए। इस बुक से आपके ये चैप्टर हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, और जो CLO3 है तो उसके लिए हम कोई और बुक देखेंगे, वो बुक भी यहाँ मैंने रेफर की हुई है, तो उस बुक से इंशाल्लाह हम 2-3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वो आपके CLO3 किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी के बारे में होंगे। ये आपका बुक का जिक्र आ गया, तो इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर की बुक है, अगर हमने पिक का माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा, हमारे पास उसके कुछ डेवलपमेंट सिस्टम्स भी हैं जिसके ऊपर लैबें भी हो सकती हैं। तो इंटरफेसिंग पिक माइक्रो कंट्रोलर बाय मार्टिन बीट्स पब्लिश बाय एल्सवियर इन 2006, या अगर जो भी पढ़ेंगे तो उसका आपको उस मौके के ऊपर जो भी कोई बुक हैं, चैप्टर्स हैं, नोट्स हैं आपको दे देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो मैंने आपको बुक में से दिखाया तो ये उसी को एक तरह से समराइज किया हुआ है कि जिसको मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो आपने CLO1 में पढ़ने हैं, 2 में पढ़ने हैं और 3 में पढ़ने हैं। इसके बाद एक और चीज़ भी आपको दिखा दी जाए, वो है कि आपका जो 16-week प्लान है, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपका कोर्स है स्प्रिंग 2020 है, 4th सेमेस्टर है, 19 इलेक्ट्रिकल आपकी क्लास है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। तो कोर्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं हूँ, डॉक्टर इरम बेग और फैसल सिद्दीक हैं, हम मिल के आपको पढ़ा रहे होंगे, मे भी आपस में चीज़ें बांट लें, मे भी आपस में सेक्शन बांट लें, और जैसे भी करेंगे आपके साथ आपको पता चल जाएगा। और लैब इंजीनियर के तौर पर कोमल मुनीर हैं, तो आपको लैब्स भी कराएंगी, कुछ लैब्स आपकी ऑनलाइन होनी है तो वो तो आपकी ऑनलाइन आपसे कोमल रब्ता कर लेंगी, वो तो आपके कैंपस में आने से पहले पहले आपको करवा देंगी। लेकिन जो लैब में करने वाली चीज़ें हैं, इसके ट्रेनर्स हैं, उनके ऊपर आपको काम करना होगा, उसके लिए जब फिज़िकली आप आएंगे इंशाल्लाह तो वो लैब भी आप मुकम्मल करेंगे। तो फैसल भी इसमें हेल्प करेंगे, कोमल मुनीर भी आपको मुख्तलिफ लैबें करवाएंगी, सेक्शन आपके बटे हुए होंगे। ओवरऑल जो आपकी असेसमेंट है
उसमें चार चीज़ें होती हैं, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है। रफली कम से कम तीन क्विजेज, तीन असाइनमेंट्स ये तो होंगी होंगी, लेकिन आमतौर पे तीन से ज़्यादा हो जाती हैं, समटाइम्स फोर क्विजेज, फोर असाइनमेंट्स हो जाती हैं। और रफली इसका जो वेट है वो टोटल 25% है, और आमतौर पर क्विजेज को 15% और असाइनमेंट्स को 10% का वेट जो है वो असाइन करते हैं। 25% ये वेट होगा, तीनों सी एल ओ इसमें शामिल होंगे, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा 25% का वो होगा, और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा 50% का वो होगा। तो ये आपके चार जो है वो वैल्यूएशन की कंपोनेंट्स हैं, तो जो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। क्विजेस को हम बीच में कुछ ऑनलाइन ले लेंगे, कुछ मुमकिन आप फिजिकल ले लें। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम आई होप कि आपका यहाँ पे फेस टू फेस ही होगा, यहाँ पे फिजिकली आपके आने के बाद मिड भी और एंड भी इंशाल्लाह ताला। और ये वीक्स के हिसाब से भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने बनाई ली है, जिसको रफली हम अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। तो पहला वीक जो आज से हमारा शुरू हो रहा है, इसमें ओवरव्यू ऑफ DLD हम लेंगे, ASM डिज़ाइन, RDL, डेटा पाथ कंट्रोल, ये आप पहले कर चुके हैं, थोड़ी देर हम इसको जरा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फिर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड IO का सिस्टम, और इंटेल्स के जो प्रोसेसर हैं उसकी एवैल्यूएशन, ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में जो है हम चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है और डिफरेंट इंटरनल रजिस्टर्स का रोल है, रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है, ये सारा हम जो है इंशाल्लाह अगले वीक में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है। और फिर तीसरे वीक में, इसी तरह से चौथे वीक में, ये मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो जो मैंने आपका फाइल सेक्शन है अभी शुरू में, उसमें जो आपकी बुक है वो तो अपलोड कर दी है, तो ये वाली सारी चीज़ें भी मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका आपको वीक प्लान भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगी, हार्ड कापी आप चाहें तो यहाँ से इशू भी करवा सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्ट कापी तो आप अपने आ गई, तो उसमें से आप देख सकते हैं। सर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं है। यहाँ तक जो बात हमने अभी ये की है, इसमें से कोई सवाल हो तो पूछ ले। अभी तक हमने कोर्स के बारे में ओवरव्यू जो एक लिया है, इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछ लें। भाई साहब आप लोग मौजूद हैं या सिर्फ हाजिर हो के ऑनलाइन हो के गायब हो गए? नो सर, कोई सर मौजूद है। मौजूद है तो हूँ, हाँ तो करो ना, ताकि मुझे इत्मीनान हो के सुन रहे हैं आप लोग। सर ये चैप्टर ज्यादा नहीं हो जाएंगे सर? ज़्यादा लेंथी चैप्टर हैं, शॉर्ट चैप्टर हैं सर? चैप्टर शॉर्ट नहीं है, लेंथी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि डे वन से आपको इस कोर्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली हिस्ट्री इस कोर्स की अच्छी नहीं है, अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, अगर आप अभी से तवज्जो नहीं देंगे तो नुकसान भी उठा सकते हैं। ये मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसलिए इस कोर्स को लाइट नहीं लेना है, ये आपको मैं डे वन से बता रहा हूँ। इस कोर्स को अगर आपने लाइट लिया तो नुकसान होगा, इस कोर्स को आपको बहुत सीरियसली लेना है हर लिहाज से। कोर्स इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है और जॉब पर्सपेक्टिव में भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, और जनरल नॉलेज के तौर पे भी इस कोर्स में से बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते हैं और समझते हैं कि आनी चाहिए और इनको स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, इसलिए इस कोर्स को लाइट नहीं ले सकते। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर्सेज है जिसको आपने इस सेमेस्टर में कवर करना है, ठीक है ना, इसलिए आपको डे वन से लेकर चलना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए और समझने के लिए भी टाइम चाहिए। ओके, अभी हम बाकायदा चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिस तरह हमने कहा कि DLD का एक ओवरव्यू मालूम होना चाहिए। तो आप में से कौन शेयर करेगा कि DLD में ओवरऑल आप लोगों ने क्या सीखा? वाइवे में मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो लेकिन बहरहाल अगर आपकी ज़बान से सुन लूँ कि DLD में आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा? एनीवन?
सर उसमें सबसे पहले हमने नंबर नंबर सिस्टम सीखे, के बाद लॉजिक गेट्स, उसके बाद लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट किया और उससे कोई फंक्शन कोई मतलब इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसकी मिनिमाइजेशन की के मैप के थ्रू के मैप देखा, उसके उससे पहले मतलब हमने वो बूलियन आइडेंटिटीज भी देखी थी जिससे हम फंक्शन को जो है वो सिंपली भी करके जो है वो उसकी स्पीड एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर 4 था आई थिंक, उसमें हमने कॉम्बिनेशन सर्किट देखे, उसके बाद हमने जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट देखे, इसके बाद जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहते हैं, स्टोरेज एलिमेंट्स भी आ रहते हैं। इसके अलावा हमने काउंटर और देखे, काउंटर रजिस्टर देखे, शिफ्ट रजिस्टर देखे, इसके अलावा हमारे पास मेमोरीज आ रहती हैं और प्रोग्रामेबल मेमोरीज वगैरह आ रहती हैं, रैम रोम और इस तरह की चीज़ें, PLD वगैरह। ठीक हो गया। जहाँ पर आपका DLD का कोर्स ख़त्म होता है समथिंग चैप्टर 7 और 8, तो वहाँ आपने स्टेट मशीन, सिक्वेंशियल सर्किट्स और मुझे याद नहीं क्योंकि वो पढ़ा मैं नहीं रहा था, फैसल पढ़ा रहे थे, तो कहाँ तक आप कवर कर पाए, तो लेकिन बहरहाल 8वें चैप्टर में इस तरह की चीज़ें जिसको आप ASM कहते हैं, आपकी स्टेट मशीन का डिज़ाइन है ना, स्टेट मशीन ये होगी जिसको आप सिक्वेंशियल सर्किट कहेंगे और जिसमें आपके पास ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं और जिसमें आपकी जो स्टेट कंडीशन हैं वो भी चेंज हो रही है और उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशन हैं और उन कंडीशंस के ऊपर नेक्स्ट स्टेट और हर स्टेट के साथ कोई डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशन हैं वो आप परफॉर्म करते जा रहे होते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस कर लें तो ओवरऑल आपका एक प्रोसेसिंग है जिसमें आपके पास एक यूनिट है जिसका नाम है प्रोसेसर। प्रोसेसर आपका इस तरह का यूनिट होगा जो हमने इस कोर्स में डिस्कस नहीं किया। आमतौर पर एक ज़माने में एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का या डिजिटल सिस्टम का कोर्स हुआ करता था, उसमें हम इसको डिस्कस करते थे, वो भी आपकी मॉरिस मानो की बुक हुआ करती थी। उसमें हम कहते थे कि ओवरऑल जब हमने एक प्रोसेसिंग करनी है जिसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम एक ओवरऑल एक यूनिट डेवलप करेंगे जिसमें हमारे पास कैपेबिलिटी होगी कि वो आपके सिलेक्शन लाइंस के ज़रिए से ऑपरेशन सेलेक्ट कर लें और वो भी उन ऑपरेशंस को मुख्तलिफ डाटा एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म करवाया जा सके। अब अगला सवाल ये आता है कि डाटा एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो फिर एक और यूनिट हम डिस्कस करते थे जिसको हम डाटा पाथ कहते थे। तो डाटा पाथ बल्कि यूँ कहते कि रजिस्टर फाइल कहते थे। तो रजिस्टर फाइल में आपके मल्टीपल रजिस्टर्स जो है वो आपके स्टैक हुए में हैं, उन रजिस्टर्स को रीड करने के लिए भी सिलेक्ट किया जा सकता है, राइट करने के लिए भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके ऊपर एक बस सिस्टम जो है हम डेवलप करते हैं ताकि कॉमन बसेस के ऊपर आप किसी रजिस्टर को, फॉर एग्जांपल आपके R1, R2, R3 को आप मुख्तलिफ नाम रख लें, तो मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, उनमें से किसी एक या दो रजिस्टर्स को आप एज ए ऑपरेंट सेलेक्ट कर लें और उसके डाटा को बसेस के ज़रिए से जो आपका प्रोसेसर यूनिट है उसके इनपुट के ऊपर ले आएँ और प्रोसेसर यूनिट को कमांड दें कि इन डाटा एलिमेंट्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्रोसेसर यूनिट उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके रिजल्ट प्रोड्यूस करे और रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद फिर आप उसको डेस्टिनेशन के तौर पे वो रजिस्टर मार्क करें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस रजिस्टर में जाके सेव हो जाए। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, एक आपका प्रोसेसर यूनिट हो गया, एक आपका रजिस्टर फाइल हो गया। तो इन दोनों को मिला के इकट्ठा कर दें और प्लस इसके साथ एक टाइमिंग, सिक्वेंसिंग, एक कंट्रोल का यूनिट साथ जोड़ दें, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये ऐसे हैं कि जिसमें आपको टाइमिंग चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है R1 + R2, उसका रिजल्ट R3 में चला जाए, तो आपको पहले स्टेप में ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल R1 रजिस्टर की और R2 रजिस्टर की जो कॉन्टेंट्स है 8 बिट के या 16 बिट के, उनको सिलेक्ट करके आपको कॉमन डाटा बस के ऊपर लाना पड़ेगा। एक स्टेप में ये काम होगा। फिर अगले स्टेप में प्रॉबली आप जो प्रोसेसर यूनिट है उसको कोई कमांड देंगे जिसके ज़रिए से
प्रोसेसर यूनिट को ये मालूम होगा कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो प्रोसेसर यूनिट जो है अगले किसी टाइम फ्रेम में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो अगले किसी टाइम फ्रेम में मुमकिन है उस रिजल्ट को आपको जो फॉर एग्जांपल R3 रजिस्टर है वहाँ सेव करना है तो वहाँ आपको सेव करना पड़ेगा। तो गोया ये सारे के सारे जो ऑपरेशन हैं वो एक सीक्वेंसिंग चाहते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप जो है ऑपरेशन चाहते हैं जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में प्रोग्राम हुआ हुआ होगा। तो एक तीसरी चीज़ जो है वो टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग कंट्रोल यूनिट होगा जो इन तमाम ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन को कंट्रोल करवा रहा होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड कंट्रोल लाइंस हैं उनको जनरेट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके सामने मैं ज़बानी बता रहा हूँ। इसके लिए हम एक पूरा कोर्स पढ़ा करते थे और उस कोर्स में इस सब चीज़ें जो हैं डिटेल से डेटा पाथ का डिज़ाइन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो किया करते थे। बल्कि उस ज़माने में उस कोर्स में एक जनरलाइज प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया करते थे कि कैसे जो है वो एक प्रोसेसर डिज़ाइन हो सकता है और उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को हम प्लान कर सकते हैं। हार्डवेयर वाइज भी उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन से यूनिट लगे हुए होंगे, उसमें कोई एडर लगा हुआ होगा, सबट्रैक्टर लगा हुआ होगा, कौन से फ्लिप फ्लॉप होंगे और उसकी सीक्वेंसिंग क्या बनेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम उस कोर्स में पढ़ा करते थे। लेकिन हमारा अलग चूँकि कोर्स नहीं है लिहाजा सिर्फ आईडी के तौर पे आप ले लें कि DLD से आगे बढ़ के जो सीक्वेंशियल सर्किट का डिज़ाइन है उसको लेके जब उससे आगे चलते हैं तो हम एक प्रोसेसर डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। और प्रोसेसर फिर गोया एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। अब जब प्रोसेसर डिज़ाइन करने हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाते हैं, हम एक लिस्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जिनमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम किस किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शंस हैं, शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी आपका प्रोसेसर होगा उसमें इंटरनली मशीन लेवल के ऊपर यही बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनके ज़रिए से सारे हायर लेवल के काम भी किए जा रहे होंगे। तो हर प्रोसेसर के डिज़ाइन में इनिशियली ये बात जो है वो सोची जाएगी कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने इस प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाना है। फिर अगली बात ये होगी कि ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें किस तरह का हार्डवेयर चाहिए, किस तरह के रजिस्टर्स चाहिए, किस तरह का डाटा पाथ चाहिए, किस तरह की उसकी टाइमिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोया हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव में डेवलप की जाएंगी इन द लाइट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस। अब अगली बात ये है कि एक प्रोसेसर में ये सब काम तो हो गया, उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस भी डिज़ाइन कर ली, उसकी सीक्वेंस भी डिज़ाइन कर ली। तो अगली बात ये है कि जब हम उस प्रोसेसर को किसी काम में लाना चाहेंगे तो हमें उस इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम देना पड़ेगा और उस प्रोग्राम को हम कहेंगे कि वो आपकी गोया जो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है, वो आपका एक प्रोग्राम है जिसको आपने एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है और उस सीक्वेंस से आप प्रोसेसर के ज़रिए से मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो उस प्रोग्राम के लिए जो आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको नंबर एक सेव करने के लिए आपको कुछ स्पेस चाहिए जहाँ पर उस प्रोग्राम को सेव किया जा सके। तो नॉर्मली इस पर्पज़ के लिए मेमोरी इस्तेमाल होती है, रैम इस्तेमाल होती है, रोम भी इस्तेमाल होती है। तो कोई मेमोरी होगी जिसमें आपका प्रोग्राम रखा हुआ होगा, जिसमें आपके डाटा एलिमेंट्स रखे हुए होंगे और प्रोसेसर क्या करेगा कि मेमोरी को रीड करेगा और मेमोरी को रीड करके वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फेच करके लेके आएगा और उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डाटा एलिमेंट्स चाहिए अगर वो मेमोरी में पड़े हैं तो मेमोरी से वो डाटा एलिमेंट्स को भी रीड करके लाएगा, उनके ऊपर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा अगर उस रिज़ल्ट को प्रोसेसर रजिस्टर में रखना है तो वहाँ रखेगा और अगर उन रिज़ल्ट को कहीं मेमोरी के अंदर वापस रखना है तो वापस उसको मेमोरी में पहुँचाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोसेसर का जो सबसे एक प्राइमरी लिंक है वो मेमोरी के साथ है, और मेमोरी के बगैर गोया कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आप कह लें कि नहीं बन सकता, और मेमोरी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो रिक्वायर्ड है। अभी आपने जो DLD का कोर्स पढ़ा है इसमें आपने कुछ मेमोरी के बारे में भी याद पड़ता है कि सातवें चैप्टर में मेमोरीज के बारे में, रैम के बारे में, रोम के बारे में आपने कुछ चीज़ें जो समझी हैं, और आपने देखा है कि बाइट वाइट आप जो है वो मेमोरी को, रैम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जितने उसमें रजिस्टर्स होंगे उसके हिसाब से आपको एक एड्रेस की लाइन चाहिए होगी, बस चाहिए होगी, जिसके ज़रिए से आप एक एक इंडिविजुअल रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर रीड राइट के कमांड लाइन के ज़रिए से उन रजिस्टर्स को रीड कर सकते हैं। तो गोया किसी भी मेमोरी चिप को जब आपने एड्रेस करना है तो आपको एड्रेस की लाइन चाहिए, और आपको डाटा की इनपुट और आउटपुट करने के लिए डाटा की लाइन चाहिए, और कुछ आपको जो है वो रीड राइट की कमांड चाहिए। तो शायद आपसे कोई मेमोरी चिप्स डिस्कस की गई हो, फॉर एग्जांपल हम कहें कि 1 KB की रैम है, तो 1 KB की रैम के लिए आप में से कौन बताएगा कि एड्रेस कितनी लाइनें चाहिए होंगी? क्यों भाई, अगर 1 KB की रैम हो तो एड्रेस की कितनी लाइनें चाहिए होंगी? 2 to the power 10 सर। 2 to the power 10 चाहिए होंगी, तो 10 लाइनें चाहिए होंगी, ठीक है। तो अगर एड्रेस की 10 लाइंस होंगी तो 2 to the power 10 तो 1024, तो 1024 जो लोकेशन हैं वो आपकी इंडिविजुअली सिलेक्ट की जा सकती हैं, और हर लोकेशन के अंदर आपके 8-8 सेल्स या 8-8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगी, तो गोया 8 bit का डाटा हर लोकेशन में आपका सेव होगा। तो हम कहेंगे कि 1 KB की ये मेमोरी है जिसमें आपको 10 लाइनें एड्रेस की चाहिए होंगी और 8 लाइनें आपको डाटा की चाहिए होंगी। कि आपकी डाटा की लाइनें जो हैं वो आपकी क्या होंगी कि आपकी इनपुट आउटपुट यानी बोथ डायरेक्शन में काम कर रही होंगी। अगर रीड का ऑपरेशन है तो उस सूरत में जो मेमोरी का इंटरनल रजिस्टर है वहाँ से 8 bit के कॉन्टेंट्स रीड होके एक्सटर्नल डाटा बस के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ से फिर यूज़र उनको जो है कॉपी करके जहाँ भी कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्ट करके उन कॉन्टेंट्स को पहुँचा सकता है। और जो राइट ऑपरेशन है उस सूरत में उन डाटा लाइंस के ऊपर 8 bit का डाटा रखना होगा, जिस डाटा को जब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो जो सिलेक्टेड लोकेशन होगी एड्रेस के ज़रिए से उस लोकेशन में वो 8 bit का डाटा स्टोर हो जाएगा। तो उस गोया मेमोरी के लिए आपको 10 लाइनें एड्रेस की चाहिए होंगी, 8 लाइनें डाटा की चाहिए होंगी, 1 या 2 लाइनें आपको रीड राइट के कंट्रोल के लिए चाहिए होंगी। बाद का कंट्रोल अलग अलग होता है, रीड का अलग, राइट का अलग, और बाद अवत ये होता है कि एक ही लाइन होती है जिसमें उसका जो एक हाई स्टेटस है फॉर एग्जांपल वो रीड के लिए और लो जो है वो राइट के लिए, या वाइस वर्सा कुछ भी उसका कम्बिनेशन हो सकता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और प्रोबेबली उस रैम चिप को एनर्जाइज करने के लिए को आपकी VCC VDD सप्लाई की लाइन भी होगी, ग्राउंड की लाइन भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोई वर्केबल सिस्टम बनाना है तो आपकी एक सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी कनेक्ट करनी होगी। अब मेमोरी कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर मेमोरी को इस्तेमाल करने के लिए, मेमोरी में डाटा रीड राइट करने के लिए आपको एड्रेस की लाइन चाहिए, इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस की लाइनें जनरेट होके आएंगी जो मेमोरी के साथ कनेक्ट होंगी। इसी तरह से मेमोरी से डाटा रीड राइट करने के लिए आपको डाटा की लाइंस चाहिए, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर से भी आपकी डाटा की लाइंस जो है वो पैरेलल, अगर 8 bit की मेमोरी है तो 8 bit की डाटा लाइन, अगर 16 bit की मेमोरी है तो 16 bit की डाटा लाइन ये आपको चाहिए होगी, ताकि उन लाइंस के ज़रिए से 8 bit का या 16 bit का या 32 bit का जितना भी आपका डाटा का साइज हो तो वो डाटा आपका प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा सके या मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ आ सके। इसी तरह से तीसरी चीज़ क्या है, वो आपकी कंट्रोल की लाइंस हैं, कि आपको रीड राइट का कंट्रोल चाहिए तो वो रीड राइट की कंट्रोल की लाइंस भी प्रोसेसर से आ रही होंगी, जिनके ज़रिए से मेमोरी को एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ कंट्रोल मिलेगा
और ये रीड और राइट का ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। तो ये गोया आपकी समझ लें कि एक दूसरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर के बाद कि मेमोरी का होना और किस टाइप की मेमोरी का होना और उस मेमोरी का प्रोसेसर के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो ये चाहिए कि आपके बेशुमार ऑपरेशन ऐसे हैं जो डिफरेंट तरह की आईओ डिवाइसेस के साथ होते हैं और वो आईओ डिवाइसेस जो है वो आपकी सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं और गोया उनको साथ कनेक्ट करके आपका एक पूरा रियल टाइम प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनता है। तो जैसे मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए एड्रेस स्पेस चाहिए, डाटा की लाइंस चाहिए, इसी तरह से आईओ डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए एड्रेस की लाइंस चाहिए और डाटा की लाइंस चाहिए। मैं आपको ये जो लेक्चर स्लाइड्स हैं इस तरह से वो खोल के उसमें से दिखाता हूँ जिससे आपको एक ओवरऑल जो मैंने आपसे कहा अभी इसका अंदाज़ा होगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ये आर्टिकल इस चैप्टर पहले चैप्टर का आर्टिकल 1-2 है, मैं वो खोल के आपके सामने लेके आता हूँ, उससे आपको ये एक पिक्चर मिलेगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सारी बात ये है। नाउ आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो मुझे ये बताएं ना, फिर मैं अगली बात करता हूँ। एक डायग्राम नज़र आ रही है आपको इस वक्त? यस सर, नज़र आ रही है। आपको इस डायग्राम में ये दिख रहा है कि सेंटर में एक मैंने ब्लॉक बनाया जिसे मैंने कहा कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इसके लेफ्ट में मैंने एक ब्लॉक बनाया इसको मैंने कहा कि ये मेमोरी सिस्टम है और राइट साइड पे एक ब्लॉक बनाया जिसको मैंने कहा कि ये आईओ सिस्टम है, ठीक है। अब प्रोसेसर के नीचे मैंने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल 8086, 8088, 286, 386, 486, 486, Pentium Pro, P2, P3, P4, Core i3, Core i5, Core i7. So any of the processor can be this microprocessor. और लेफ्ट साइड पे मैंने कहा कि मेमोरी सिस्टम है, तो मेमोरी सिस्टम में डायनामिक रैम हो सकती है, स्टैटिक रैम हो सकती है, कैशे हो सकती है, रोम हो सकती है, फ्लैशेज हो सकती हैं, ई प्रोग्राम हो सकती, प्रोम हो सकती है, एस डी रैम हो सकती है, रैम बस हो सकती है, वगैरह 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 मुख्तलिफ। तो मेमोरी सिस्टम में आपकी किसी भी किस्म की मेमोरी हो सकती है और ऊपर जो मैंने आपको एरो दिखाए हुए हैं जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि बसेस हैं, तो इसमें आप देखें, बल्कि डायग्राम में थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए था, जो आपकी एरो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा रही है ये आपकी एड्रेस की लाइन है। मैं इसको रखा है डायग्राम को मजीद एलेबोरेट कर लूँगा ताकि जो क्लियर हो जाए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस जनरेट होगा और मेमोरी सिस्टम की तरफ जाएगा और उस एड्रेस का साइज जो है वो मेमोरी जो टोटल कैपेसिटी है उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि 1 किलोबाइट की मेमोरी होगी तो आपके एड्रेस की 10 लाइनें होंगी, ठीक है। अगर आपके एड्रेस की 10 के बजाय 20 लाइनें होंगी तो 2^20 इज नोन एज 1 मेगा, तो आपकी 1 मेगा की जो मेमोरी है गोया वो एड्रेस हो सकती है। इसी तरह से अगर ये 20 के बजाय एड्रेस की 30 लाइनें होंगी तो 2^30 इज गीगा, तो गोया आपकी जो मेमोरी की स्पेस है वो 1 गीगाबाइट हो, ठीक है। इसी तरह से अगर 30 के बजाय एड्रेस की 40 लाइनें होंगी तो 2^40 इज नोन एज टेरा, तो वो आपकी 1 टेराबाइट की मेमोरी हो। ये आप यकीनन किलो से, मेगा से और गीगा से और टेरा से आप फेमिलियर हैं और आप इस तरह की चीज़ें मोबाइलों में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी जानते हैं कि इसकी इतनी गीगा मेमोरी है या इसकी इतनी टेराबाइट की हार्ड डिस्क है मेमोरी है। तो ये इसके मेमोरी के पैरामीटर्स हैं जिसमें जो 2^10 है ये किलो है, ये 2^20 है ये मेगा है और 2^30 जो है वो गीगा है और 2^40 जो है वो टेराबाइट है, ठीक है। और 2^50 भी कुछ लफ्स है वो मुझे याद नहीं क्या है, तो वो भी एक मेजरमेंट है जो कि आपकी मेमोरी की या डाटा की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बीच में कहना चाहूँगा वो ये कि लर्निंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कान भी दिए हैं, आँखें भी दी हैं, ठीक है ना जी, दिल दिमाग सोच भी दी है, हाथ भी दिए हैं। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आँख भी खुली हो, कान भी खुला हो और ये जो टीचिंग वाला काम है
इसमें अगर आपके पास नोटबुक भी हो जिसमें आप क्लास नोट्स लेते रहें, जैसे आप क्लास रूम में बैठ के अपनी नोटबुक के ऊपर क्लास नोट्स लेते रहते हैं, इस तरह से ये क्लास नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जो अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ है ये सबसे बेहतरीन एसेट होता है, और आप भले भूल भी जाए ना, लेकिन अपने हाथ के लिखे हुए को भले 6 महीने साल बाद भी खोल के देखेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है वो टॉपिक और जितनी भी चीज़ें कॉन्टेंट्स हैं वो रिकॉल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इस बात पर भरोसा करेंगे कि सीनियर के नोट्स मिल जाएंगे या ये लेक्चर स्लाइड मिल जाएंगी या बुक हमें मिल जाएगी तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों से नए सिरे से लर्निंग करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि आपने अगर टाइम के ऊपर, जिस तरह भी आप इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं, तो साथ साथ अगर आप लेक्चर नोट्स भी लेते रहें तो आपका असल एसेट ये होगा। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे मज़हब में या मेरे हिसाब से जो सीनियर के नोट्स हैं उनको पढ़ना, उनकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रखना, तो मैं तो कहता हूँ गुनाह कबीरा है, ये गुनाह नहीं करना चाहिए। हर इंसान जो है उसकी लर्निंग को बिल्कुल जंग लग जाता है अगर वो खुद काम करने के बजाय किसी और के किए हुए काम को फॉलो करने की या समझने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जब यहाँ लेक्चर सुनने, कभी भी लेक्चर सुनने बैठें, तो अपनी कापी पेंसिल साथ लेके बैठें और लेक्चर के नोट्स लेते रहें, जहाँ ज़रूरत पड़े आप सवाल पूछते रहें, ये आपकी लर्निंग हो रही होगी। अदरवाइज सिर्फ सुन लिया और सिर्फ इस बात पर भरोसा कर लिया कि पके पके हलवे मिल जाएंगे, तो बिलीव मी कि आपकी लर्निंग नहीं होगी। और यहाँ यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला जो है वो लर्निंग के लिए हुआ है, और लर्निंग के जितने स्टेप्स हैं उनसे गुजर के ही इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा, अदरवाइज़ आपको वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो कि डिज़ायर्ड है, जो हम चाहते हैं कि फ़ायदा आपको हो। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स को खोल के रखें और साथ साथ जितनी नोट करने की चीज़ें हैं वो आप साथ नोट करते रहें। आमतौर पर ये होता है कि स्लाइड में तो एक डायग्राम होगी कि दो चार बातें लिखी हुई होंगी, और उसकी कहीं ज़्यादा डिटेल जो है वो आपकी डिस्कशन से, टीचर की बातचीत से आपके सामने आती है, इसलिए उसको पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको आप जो है वो नोट करते रहें साथ साथ। दूसरी चीज़ जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रहा है आईओ सिस्टम, और आईओ सिस्टम के साथ आप देखें तो नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रिंटर, सीरियल कम्युनिकेशन, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस, सीडी रोम, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस ऊपर भी लिखा हुआ, दोबारा लिखा हुआ आ गया, मॉनिटर, टेप ड्राइव, स्कैनर, DVDs, USB एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी मुख्तलिफ तरह की आईओ डिवाइसेस हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाएंगी, और गोया इन तीनों को मिला के प्रोसेसर होगा, उसके साथ मेमोरी होगी और उसके साथ कोई आईओ सिस्टम होगा, तो ये आपका सारा मिलके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनेगा, एक वर्केबल सिस्टम बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो सर, ये आपस में कनेक्ट वाया मेमोरी एड्रेस ही होगी हमेशा? जी, ये जब कभी भी कनेक्शन होगा माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो इसकी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर आईओ सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, किसी के साथ भी कनेक्ट हो, तीन प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन एड्रेस बस, नंबर वन एड्रेस बस। तो माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस बस जनरेट होगी जिसकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ये डिटरमिन करेंगी कि मैक्सिमम कितनी एड्रेसिंग कैपेसिटी है, जिसको अभी हम कह रहे थे कि 2^21 मेगा होता है, 2^31 गीगा होता है, 2^41 टेरा होता है। तो ये गोया मेमोरी के साइजेस हैं, जितनी कैपेसिटी की मेमोरी या आईओ सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और हर एड्रेस के वर्सेस जो गोया आपका बेस यूनिट है वो बाइट है। बेस यूनिट आपका क्या है? बाइट है, और बाइट कहते हैं 8 को। तो आपका 8 बिट का जो मेमोरी है, 8 बिट के जो रजिस्टर हैं एक, वो आपका यूनिट साइज है। तो जब कभी भी आप कहेंगे कि भाई 1 किलो या 1 मेगा या 1 गीगा, उसके साथ दूसरा लफ्ज़ क्या होगा? बाइट। तो चाहे मेमोरी हो चाहे आईओ सिस्टम हो, तो वहाँ आपकी एड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव में जो डाटा का साइज़ होगा
वो बाइट होगा, 8 बिट का रजिस्टर, 8 बिट का डाटा। ये आपका मिनिमम साइज है जो कि जिसको आप यूनिट कह सकते हैं, जिस तरह लेंथ का यूनिट जो है वो किलोमीटर होता है और वेट का यूनिट जो है वो ग्राम होता है, इसी तरह से जो मेमोरी का यूनिट है वो बाइट होता है। भले मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइट से बड़ी भी हो, फॉर एग्जांपल मेमोरी का साइज जो है वो 1 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, 8 बाइट भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो एड्रेसेबल कैपेसिटी है वो बाइट वाइड ही शुमार होगी, वो बाइट वाइड ही शुमार होगी। क्योंकि प्रोसेसर्स के पार्ट पर भी ये था कि इनिशियली जो प्रोसेसर्स बने थे वो 4 बिट डाटा साइज के थे, फिर 8 बिट डाटा साइज के प्रोसेसर बने, फिर 16 बिट डाटा साइज के प्रोसेसर बने, फिर जो है 32 बिट डाटा साइज के प्रोसेसर बने, आजकल 64 बिट डाटा साइज के प्रोसेसर जो है बनते हैं। तो डाटा का साइज जो मर्जी हो, लेकिन उस साइज के अगेंस्ट भी जो मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बाइट वाइड ही होगी। ठीक है, क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 64 बिट का डाटा है, तो 64 बिट का डाटा का मतलब ये है कि आपके एक डाटा के वर्ड में 64 बिट्स हैं, गोया 8 बाइट्स हैं। तो 8 बाइट्स का डाटा एक वर्ड में रीड या राइट हो सकता है, ये उसकी पैरेलल कैपेसिटी है, लेकिन जो यूनिट है वो साइज के अतबार से वो बाइट ही शुमार होगा। तो चाहे वो टेरा भी होगा तो टेरा के साथ लफ्ज बाइट आएगा, टेरा बाइट, गीगा बाइट। तो गोया एक मेमोरी का जो बेस यूनिट है वो आपका बाइट है, और आईओ सिस्टम में भी जो मेमोरी है वो भी बाइट वाइड ही शुमार होती है। तो किसी भी प्रोसेसर की मेमोरी के साथ, किसी भी प्रोसेसर की मेमोरी के साथ कनेक्शन होगी या आईओ सिस्टम के साथ कनेक्शन होगी, तो उसमें आपको एड्रेस की लाइंस चाहिए होंगी, जिनकी नंबर ऑफ लाइंस ये डिफाइन करेंगी कि कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी मेमोरी की या आईओ सिस्टम की इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट की जा सकती है। और नंबर 2 डाटा की लाइंस होंगी, और डाटा की लाइंस बाई डायरेक्शनल होंगी, क्योंकि रीड और राइट दोनों तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। इट डिपेंड्स कि डाटा की लाइंस जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसर के हिसाब से 8 बिट की भी हो सकती है, 16 बिट की भी हो सकती है, 32 बिट की भी हो सकती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ऑन द प्रोसेसर डिज़ाइन, कि डाटा का साइज क्या हो। ठीक हो गया, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ जो है आपकी कंट्रोल की लाइंस हो सकती हैं, जिसमें क्लॉक भी हो सकती है, जिसमें आपकी रीड की लाइन भी हो सकती है, राइट की लाइन भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरह की आपकी कंट्रोल की लाइंस हैं जो कि एक सीक्वेंसिंग और एक टाइम फ्रेम के साथ कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, ताकि सक्सेसफुल रीड का ऑपरेशन, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो पूरा कोर्स है उसका आप समझ लें कि 2/3 या 3/4 जो पोर्शन है वो आपका, ये डायग्राम मैंने आपको सामने दिखाई है इस वक्त, ये इसके ऊपर मुश्तमिल है। तो आपका जो गोया पहले 6 चैप्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि वो प्रोसेसर के बारे में और इंस्ट्रक्शंस के बारे में हैं, तो वो आपका जो ये सेंट्रल पार्ट है जिसको प्रोसेसर कह रहे हैं हम, ये बल्कि पहले 6 चैप्टर और फिर आपका 8वां चैप्टर जिसमें जो है वो पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर की डिस्कस की हुई है। तो ये आपके सारे चैप्टर जो है, जो आपका इस डायग्राम का सेंट्रल पार्ट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ेंगे कि प्रोसेसर इटसेल्फ क्या है, वो किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसका पिन आर्किटेक्चर क्या है, कितनी नंबर ऑफ पिन हैं, कितनी एड्रेस की लाइन्स हैं, कितनी डाटा की लाइन्स हैं, कितनी कंट्रोल लाइन्स हैं, और डिफरेंट कंट्रोल लाइन्स क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं। तो पहले तकरीबन 8 चैप्टर्स जो है, जिनमें से 2 छोड़ के या 1 छोड़ के, जो हमने, मैंने आपसे कहा कि लैब के बारे में है, तो ये आपका जो ये सेंट्रल आपका डायग्राम का ब्लॉक है माइक्रो प्रोसेसर, इसके बारे में। फिर 1 चैप्टर आपका जो है वो मेमोरी इंटरफेस के बारे में है, रावल चैप्टर नंबर 9 है। तो ये लेफ्ट साइड पर जो मेमोरी का ब्लॉक है, इसकी इंटरफेसिंग और इसके कनेक्शन और इसकी टाइप्स के बारे में, वो आपका 1 चैप्टर है। फिर जो अगले चैप्टर मैंने आपसे कहे थे, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 11, 12, 14 जो भी कहे थे आपसे, वो आपके सारे जो आईओ सिस्टम है इसके बारे में है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की आईओ जो है वो डिस्कस की हुई हैं, उनके काम डिस्कस किए हुए हैं, कैसे वो प्रोसेसर से कनेक्ट होगा वो डिस्कस किया हुआ है, कैसे उसको प्रोग्राम किया जा सकेगा ये डिस्कस किया हुआ है। तो गोया आप समझें कि इस वक्त जो आपको एक ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं,
यही आपका कम से कम 70% कोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, और इनमें से कम 7 चैप्टर हम ये जो सेंट्रल ब्लॉक है इसके बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर हमारा जो मेमोरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स हम जो आईओ सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये गोया सारा पढ़ने के बाद आपका ये तकरीबन 70-75% जो कोर्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, ओवरऑल आपके सामने जो ये डायग्राम है ये आपके पूरे कोर्स की एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपके कोर्स का नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें रफली 70-75% जो है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है, और तकरीबन 25-30% जो है वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक जो डिस्कशन हुई उसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछना, ये अभी तक हमने सारा एक ओवरव्यू डिस्कस किया है जिसमें हमने इस कोर्स को ओवरऑल डिस्क्राइब किया है कि इसमें किस किस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे और बुक कौन सी है और सी एल ओस कौन कौन से हैं एक्सेट्रा। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें, फिर हम सीक्वेंस से जो पहला चैप्टर है उसकी स्टडी शुरू करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छी बात है। ओके, फिर हम आते हैं इस बुक के पहले चैप्टर की तरफ। सो यू कैन सी फ्रॉम द बुक एज वेल कि ये बुक है और ये बुक का पहला चैप्टर है, तो यहाँ से मैं आपको उसका एक फेस भी दिखा देता हूँ चैप्टर का। तो ये आपका चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर, नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है भाई साहब? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। सो दीज आर द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। यस सर, नजर आ रहा है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स में से जो कि आपने डीएलडी के कोर्स में पढ़ी हुई है, हम सिर्फ उसका नाम लेंगे और आपसे उसके बारे में कुछ पूछेंगे, उसको फिर डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल रिसेंटली आप उन चीज़ों से गुजर के आए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देखें तो ये आपको 7 नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, पढ़ने जरा 7 नंबर पे कौन पढ़ेगा? चैप्टर ऑब्जेक्टिव में 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। जी जी जी, तो आपने कितना टिका के वाइवा दिया है जी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, और ये दिया वाइवा कि नहीं दिया? Yes, so you already know about the number system, conversion of number systems, codes, ASCII codes, और BCD codes, etc. तो आप इसके बारे में पहले से familiar, बल्कि अगला ही पढ़े आप। 8वां नंबर क्या लिखा हुआ? Differentiate and represent numeric and alpha information, alphabetic information as integers, floating point, BCD and ASCII. तो ये 7 और 8 में जो लिखा हुआ है ये वो चीजें जो आपने भी DLD में अच्छी तरह से वाइवा भी दी हैं और खूब आपने इसको रगड़ा भी खाया है कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, ASCII कोड क्या होते हैं और BCD कोड क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो इनको हम सिर्फ सरसरी गुजारेंगे इसलिए कि आपने भी DLD में इनको अच्छी तरह से देख लिया। ठीक हो गया। अब इसमें जो कोर्स में जो इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसमें पहली चीज़ ये है जो इसमें डिस्कस की हुई है वो चले मैं शुरू से ले जाता हूँ पहले पेज के ऊपर। चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल से मिलेगा। जो पहला आर्टिकल है वो आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम्स है। तो जहां हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो ये एक तरह की आप कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है, हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन ऐड, हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, ये जितने समझो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो कहता है कि जी, तो जब से, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि जब से बनी आदम पैदा हुआ है और इस दुनिया में आया है तो उसके अंदर जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो मौजूद है। मैं एक ज़माने में हाई स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ पे गालमा 6 की मैथमेटिक्स थी और 7 की मैथमेटिक्स थी, इस तरह की चीज़ें पढ़ाता था मैं। तो उसके पढ़ाने में आमतौर पर मैं कुछ ना चीज़ें इनिशियली डिफाइन करता था
मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपने भी आज से बरसों पहले ये सुना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, आपने से कौन बताएगा? मल्टीप्लिकेशन ज़रब किसे कहते हैं? क्यों भैया नहीं मान, कौन बताएगा? आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी आती है ना, पेपर को मल्टीप्लिकेशन कर लेते कि नहीं कर लेते? पर ज़रब को ज़रब कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ज़रब को ज़रब कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? सर दो नंबर मल्टीप्लाई करना सर, इससे ज्यादा तो नहीं पता दो नंबर सर जी, हमारे पास अगर दो नंबर और छोटे छोटे अगर हमारे साथ ऐसा फंक्शन करे कि उसका आंसर बड़ा हो जाए सर जी। अच्छा सर, गिवन नंबर को गिवन नंबर टाइम्स बढ़ाना सर, अगर 2 into 4 है तो 2 को 4 दफा ऐड करना तो उसे मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। सक्सेसिव एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन, सक्सेसिव एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है एक्स, हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल वाई, इसका मतलब ये है कि एक्स को वाई दफा ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। सो हम कहेंगे डेफिनेशन क्या हुई कि सक्सेसिव एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। ओके, How can we define division? How can we define division? Anyone? Successive subtraction of a particular number is found. ठीक है, उसी corollary में चले तो जो successive subtraction operation है ये आपका division कहलाता है, और जितनी दफ़ा आपकी सब्ट्रैक्शन होगी वो आपका डिवीजन का आंसर होगा, और अगर कंप्लीट सब्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वो कुछ बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर आपकी डिवीजन इस तरह से हो कि कुछ बाकी ना बचे तो आपकी कंप्लीट डिवीजन है, और वो जो आपका आंसर आया जितनी दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो आपका आंसर हो गया, और अगर आपका कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो उसको आप फिर अलग से भी डिस्क्राइब कर देंगे, ये आपका रिमाइंडर है, एक आपका क्वेश्चन है एक आपका रिमाइंडर, ठीक हो गया। सो बाय दिस वे वी कैन डिफाइन डिवीजन। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज एडिशन? एडिशन क्या चीज है, प्लस क्या चीज है? टू भाई, कंबाइनिंग टू नंबर्स इनटू वन। कंबाइन टू नंबर्स इनटू वन, वो तो वैसे साथ साथ लिख दें तो भी कंबाइन हो जाते हैं, आपने लिखा दो आपने लिखा पांच तो इकट्ठा कर देते हो तो जो है वो इकट्ठा हो गया, कंबाइन हो गया, लेकिन वो ऐड तो नहीं हुआ। ओके, लंबी डिस्कशन में नहीं जाते, तो बच्चों की बात थी जो हम बच्चों को समझाया करते थे पांचवी छठी सातवीं में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये एक तरह की आप कह लें कि प्रॉपर्टी है जो कि गॉड गिवन प्रॉपर्टी है, और सिर्फ इंसानों को नहीं है बल्कि अल्लाह ने जो है वो और भी सारे जानवरों को एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि इंसान का और जानवरों का भी जो दिमाग है वो किसी चीज़ के बढ़ जाने को भी आइडेंटिफाई कर लेता है और किसी चीज़ के घट जाने को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये जो गोया एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये गॉड गिवन प्रॉपर्टी है जो कि किसी चीज़ के बढ़ने की अंडरस्टैंडिंग है और किसी चीज़ के घटने की अंडरस्टैंडिंग है। आप में से जिन लोगों के घरों में कोई मुर्गियाँ बच्चियाँ पाली हुई हैं तो अगर आप मुर्गी के पांच बच्चों में से एक बच्चा जो ना अगर आप पकड़ लें तो मुर्गी झपट्टा मार के आपकी तरफ आएगी, क्योंकि मुर्गी के मगज़ में सब्ट्रैक्शन हो जाती है और उसके मगज़ में पता चल जाता है कि एक बच्चा कम हो गया। हाँ, और अगर कोई एक दूसरा बच्चा उसमें डाल दें तो वो उसको ठोंग मार के बाहर भगा देती है, उसके मगज में एडिशन हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये एक बच्चा फालतू हो गया तो वो उसको मार के बाहर निकाल देता है। तो ये अल्लाह पाक ने हर इंसान में भी और हर और तरह की मखलूकात में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक फीलिंग, एक प्रॉपर्टी रखी है
जिससे किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना और फिर उसको किसी न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकना, तो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। मुझे एक लतीफ़ा याद आया, मैं एक ज़माने में हाई स्कूल में पढ़ाता था, तो ऑलमोस्ट सिक्स क्लास थी उसको पढ़ा रहा था मैं, तो वो इंस्ट्रक्शन टीम के जो ऑफिसर्स आते हैं वो आ गए ना क्लास में, मैथ की क्लास चल रही थी और मैथ की क्लास में गालबन कोई परसेंटेज का जो कोई क्वेश्चन था ना वो मैं करवा रहा था बच्चों को, तो इंस्ट्रक्टर्स बीच में आ गए, मैं साइड पे हो गया, वो बच्चों से सवाल जवाब करने लगे, चलो क्या कर रहे हैं बच्चे, तो कोई परसेंटेज निकालने का सवाल कर रहे थे, तो वो जो कर रहे थे वो उन्होंने एक दो बच्चों का देखा, फिर तो कुछ और सवाल करने लगे, कुछ सेट के बारे में पूछने लगे, तो एक सवाल उन्होंने पूछा कि अच्छा वो खाली सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई मेंबर ना हो ना, तो उसको हम जो है कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट। सर इसकी तो मिसाल दो, तो मुझे याद है कि एक लड़के ने बड़ी इंटेलिजेंट मिसाल दी, तो वो मिसाल ये दी कि जी हमारी क्लास में पता नहीं लड़कियों का सेट, तो वो तो बॉयज स्कूल था, लड़की क्लास में कोई भी नहीं थी, तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, तो उसको बड़ा इंजॉय किया जो सुनने वाले थे उन्होंने भी ना। अच्छा एक और मिसाल है, एक लड़का खड़ा हुआ, तो उस लड़के ने कहा कि जी मैंने आज नाश्ता नहीं किया, पहले तो मैं भी सुनने परेशान हो गया कि क्या कह रहे हैं, तो सवाल खाली सेट का पूछ रहे हैं और ये कह रहा है मैंने नाश्ता नहीं किया, तो सवाल पूछने वाले थे वो भी हैरान हो गए कि ये मैं पूछ रहा हूँ कि खाली सेट की एम्प्टी सेट की कोई एग्जाम्पल दो, पर बच्चा कह रहा है कि मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर मुझे क्लिक किया कि ओह किसी चीज़ के ना होने के जो कॉन्सेप्ट ये इसके अंदर बोल रहा है, और उसने उसको एक एग्जांपल के तौर पर जो ना नाश्ता ना करने से जो है ना वो उसको एलिबरेट किया, तो फिर मैंने उनसे इंस्पेक्टर जाए थे उनसे कहा, मैंने कहा कि वो असल में इसके जहन में किसी चीज़ के ना होने के कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसकी जो एग्जांपल इसकी समझ में आई आज के दिन के एतबार से, तो उसने वो आपके सामने शेयर कर दी, तो फिर उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया और बड़े खुश हुए, और बाद में क्लास के बारे में बड़े अच्छे रिमार्क्स लिखते गए कि बड़े अच्छे इनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और किसी चीज़ का ना होना, तो बहरहाल द फर्स्ट लाइन जो मैंने आपकी लिखी हुई, द आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन बैकस रफली 500 BC, तो जो जमा तफरीक ज़रब है वो तो शायद बाबे आदम के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन उसकी कुछ मैकेनिकल फॉर्मेशंस, उसकी कुछ जो है ना वो इस तरह की मशीन्स और नोटेशंस की जिससे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके, उनको जमा किया जा सके, उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सके, तो बिफोर क्राइस्ट भी इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई थी। फिर आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 1823 में एक एनालिटिकल इंजन के नाम से एक मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया, जो 1020 डिजिट के डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकता था और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता था। फिर 1950 से 60 तक का ज़माना जो है ये आपके समझें कि ट्रांजिस्टर के ईजाद होने का ज़माना है, वैक्यूम ट्यूब्स के ईजाद होने का ज़माना है, और उस ज़माने में पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, तो पहला जो जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया, तो वो 1946 में डेवलप किया गया, जिसका नाम ENIAC था, और ये जो है पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है। इसमें 1700 वैक्यूम ट्यूब्स थी, आप लोग से फेमिलियर नहीं है, हमने अपने बचपन में वैक्यूम ट्यूब्स देखी हैं, तो आजकल जो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, आपने मेरा ख्याल है BJT का FET का कोर्स पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, क्यों पे पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कोर्स जिसमें BJT या FET डायोड पढ़ लिया, तो अब तो खैर कोर्स में पढ़ाना भी छोड़ दिया, वरना इन ट्रांजिस्टर के पढ़ाने से पहले एक ज़माने में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी और वो आपके ट्रांजिस्टर्स के इक्विवेलेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म किया करती थी। मुझे याद है हम जब 83 में 84 में कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे, तो उस ज़माने में लैब में वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उस ज़माने तक जिंदा थी और करिकुलम में भी मौजूद थी, बाद में करिकुलम से भी गायब हो गई। तो उसमें 1700 वैक्यूम ट्यूब्स थी और तकरीबन 500 माइल्स उसमें वायर्स थी और उसका कुछ 30 टन का वेट था, तो ये एक मशीन थी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती थी, न्यूमेरिकल आपके ऑपरेशन जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकती थी,
और इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई कि इट वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 100,000 ऑपरेशन पर सेकेंड। 1948 में ट्रांजिस्टर भी याद हो गया, बेल लैब ने ट्रांजिस्टर डेवलप कर लिया, और 1958 में 10 साल बाद जो YC इंटीग्रेटेड सर्किट भी डेवलप होना शुरू हो गए। इनिशियली जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कंपनी है उसने इन ICs को डेवलप करना शुरू किया। तो उसी हिसाब से जब ट्रांजिस्टर भी बनने शुरू हो गए, ICs भी बनने शुरू हो गए, गेट्स भी बनने शुरू हो गए, जो आपका सो कॉल्ड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है इसकी भी जो गोया एग्जीक्यूशन है उसके लिए मुख्तलिफ तरह के गेट्स जो आपने सारे DLD में पढ़े हैं वो बनने शुरू हो गए, और उनकी मदद से आपके कम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट ये बनने शुरू हो गए। तो इसके साथ साथ फिर जो है वो एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज एक्चुअली जो मशीन के बाइनरी नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग है, जिसमें आपके डाटा एलिमेंट भी, इंस्ट्रक्शंस भी, वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में जो है वो लिखे जाते हैं। और इस चैप्टर में भी, इस कोर्स में भी हम जो है थोड़ा सा मशीन कोर्स की और असेंबली कोर्स की एक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि एक जो बेसिक मशीन कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ जाए। तो मशीन लैंग्वेज इज वन विच इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज विच ए प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड, एंड प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स। सिर्फ आपके जो 0 और 1 के हाई और लो के वोल्टेज लेवल हैं मशीन सिर्फ उसको समझती। तो जो आपकी मशीन है जिसमें आपके गेट्स हैं और रजिस्टर्स हैं और इनके ऊपर आप जो है वो डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, इनको एड्रेसेस दे रहे हैं, इसके ऊपर जो है आप कोई मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इन तमाम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो कोड होगा वो आपका बाइनरी में या हेक्स में लिखा हुआ कोड होगा, उसको हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। फिर तकरीबन 1950 के ज़माने में असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। तो मशीन लैंग्वेज में ये है कि आपका सारा जो गेम है वो नंबर्स के साथ होता है, और नंबर्स को याद रखना समझना ये एक मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट ने फिर एक जो है वो नोटेशनल लैंग्वेज जो है डेवलप की, जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो आपकी गोया नॉर्मली इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनके साथ जो प्रोसेसर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, तो आप उनके दरमियान जो ऑपरेशंस को लिखते हैं वो आपकी असेंबली की नोटेशन है। इस बुक में भी हम जो है असेंबली के जो कमांड्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे, ताकि आपको मशीन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। इस अंडरस्टैंडिंग से जो गोया बिल्ट इन हार्डवेयर है उसकी भी आपको जो है वो एक नॉलेज जो है वो मिलती है। फिर उसके बाद ये जो असेंबली लैंग्वेज भी है, ये ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें गोया जो भी प्रोग्राम लिखने वाला है उसको मशीन का जो हार्डवेयर है उससे अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। उसको सारा मालूम होना कि प्रोसेसर में क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से रजिस्टर हैं, किसका किसके साथ क्या लिंक है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब जानना भी ज़रूरी है, जो कि एक तरह की इंजीनियरिंग नॉलेज है। और जो एंड यूज़र है, ज़रूरी नहीं कि सारे इंजीनियर हों, सारे टेक्नीशियन हों। तो इसलिए फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करने शुरू किए, ताकि ऐसा यूज़र जो हार्डवेयर को नहीं जानता, जो प्रोसेसर को नहीं जानता, जो उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को, उसकी साइंस को नहीं जानता, लेकिन एंड यूज़र है और वो भी कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, तो फिर साइंटिस्ट ने हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में या और इवन दूसरे ज़बानों के अंदर जो आपके गया स्टेटमेंट्स थे जिनको इस्तेमाल करके जो है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग जो है वो की जा सकती है, जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलेगी। तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फ्लोमैटिक थी, और फिर IBM ने जो है फोरट्रान डेवलप की, फिर एल्गोल डेवलप की, और फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल एंड वाइड स्प्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कोबोल, एंड नाउडेज बेसिक C++, पास्कल, जावा और मैनी मोर बेशुमार और जो है वो लैंग्वेज डेवलप हुई हैं, जिनके ज़रिए से यूज़र जो है वो बग़ैर टेक्निकल नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर प्रोग्राम लिख सकता है, उस प्रोग्राम की टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जो प्रोग्राम भी लिखा जाएगा, जिस लैंग्वेज में भी लिखा जाएगा, तो फिर उसके कंपाइलर्स होंगे। कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को
ट्रांसफॉर्म करता है मशीन में, इसलिए कि जो बॉटम पे सबसे नीचे मशीन है जिसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, उनको जो हाई लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या हाई लेवल के जो सिंटेक्स है उसका कुछ पता नहीं। जो प्रोसेसर है उसको सिर्फ वन जीरोस की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसका पता है। तो चाहे हाई लेवल में लिखी हुई आपकी इंस्ट्रक्शन हो, प्रोग्राम हो, चाहे आपका असेंबली में लिखा हुआ प्रोग्राम हो, हर सूरत में असेंबली के लिखा प्रोग्राम हो है तो वह असेंबलर में से गुजरेगा, उसका मशीन कोड बनेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है तो कंपाइलर से गुजरेगा और कंपाइलर से गुजरने के बाद उसका मशीन कोड बनेगा, और मशीन कोड एग्जैक्टली वो कोड होगा जो कि प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो उसके ऊपर जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और उसके रिजल्ट जनरेट होंगे, और फिर बेशक बाद में उसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करके किसी हाई लेवल की नोटेशन में दिखाया जा सकता है। इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन 1998 रिपोर्ट्स दैट देयर आर 6 मिलियन एप्पल मैकिंटॉश सिस्टम्स जो मोटोरोला ने बनाया था, एंड 260 मिलियन पर्सनल कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन इंटेल माइक्रो प्रोसेसर जो 85 का था। आल्सो इट रिपोर्ट्स दैट 96% ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स वर शिप्ड विद विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो खैर पुरानी रिपोर्ट है, ये मैंने तो सिर्फ कुछ लाइनों में इसको समराइज किया है। अदरवाइज बुक में आप देखेंगे तो जो पहला आर्टिकल है उस आर्टिकल में ये सारी मैकेनिकल एज से लेके और बीच में जितने भी मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक किस्म के कंप्यूटर सिस्टम बनते रहे और वो लोगों के इस्तेमाल में रहे उनका एक पूरी हिस्ट्री जो है वो ब्रीफली गिवन है। इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ना चाहें सारी पढ़ सकते हैं, मैंने उसमें चंद लाइनें लिख के एक ओवरव्यू जो आपके सामने दिया है। अब इसमें जो सक्सेसफुल चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे आपके जो मौजूदा नस्ल के मौजूदा किस्म के कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डेवलप किए गए हैं, ये आपकी सारी जो समझें 70, 71, 80 उस ज़माने में माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप होने शुरू हुए, मुख्तलिफ कंपनी जो है उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने शुरू किए। तो इनिशियली आपके जो सक्सेसफुल प्रोसेसर्स थे जिनकी बुनियाद पर पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया गया वो 8-bit प्रोसेसर थे। 8-bit प्रोसेसर का मतलब ये है कि जिसका डाटा का साइज 8-bit था, जिसकी इंटरनल जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन थी वो 8-bit की थी और इसमें मुख्तलिफ तरह के इंटरनल रजिस्टर्स थे। तो उसमें उस ज़माने में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा उनसे फेयरचाइल्ड कंपनी थी, उसने F8 नाम का जो है वो प्रोसेसर बनाया, इंटेल था उसने 8080 नाम का बनाया, मॉस टेक्नोलॉजी थी इसने 6502 नंबर का बनाया, मोटोरोला ने MC6800 नंबर के साथ 8-bit का प्रोसेसर बनाया, नेशनल सेमीकंडक्टर ने IMP8 नाम से बनाया, रॉकवेल ने TPS8 नाम से बनाया और ज़ाइलॉग ने Z8 नाम से बनाया। तो ये मुख्तलिफ दर्जनों सैकड़ों वेंडर्स थे जो उस ज़माने में माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में शामिल हुए और इन्होंने 8-bit के माइक्रो प्रोसेसर बनाने शुरू किए और उन 8-bit के माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर थर्ड पार्टीज ने कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करने शुरू किए। उन कंप्यूटर सिस्टम में डेफिनेटली प्रोसेसर के साथ मेमोरी भी थी, रैम रोम भी थी, आईओ डिवाइसेस भी थी, कीबोर्ड भी था, मॉनिटर भी था और उसमें इस बात का इंटरफेस भी था कि आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने प्रोग्राम्स को जो है वो लोड कर सकें, लिख सकें, चला सकें, उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग और जो कंप्यूटर सिस्टम हैं उनकी जो एवेल्यूएशन होती है एक तरह से वो 8-bit के माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ होती है, तकरीबन 70 और 80 जो 1970-80 का ज़माना था उस ज़माने। यहाँ तक जो मैंने बात की उसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओ भाइयों जाग रहे हो सो रहे हो, मैं दीवार के सामने तो नहीं बोल रहा। जाग रहे सर, सर इसमें जो हमने देखा 8-bit माइक्रो प्रोसेसर, जितने बिट का प्रोसेसर होगा क्या एड्रेस लाइन डिफरेंट होंगी इसकी? जी जी, ये अभी अगला मैंने पेज आपके सामने ले आया, आपको पेज नजर आ रहा है अगला पेज, माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल। ओके यस,
ये इस आर्टिकल में, चूंकि हमने जो कोर्स में प्रोसेसर स्टडी करना है वो इंटेल का है, अब एक बात मैं साथ ही कह दूँ आपके कि उस ज़माने में दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से मैन्युफैक्चरर जो है वो इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट में इंटेल रह गया और मोटोरोला रह गया, ठीक है, किसी हद तक ज़ाइलॉग रह गया, बाकी सारी कंपनियाँ ऐसा ऐसा फेज आउट कर गई, उन्होंने अपनी समझो कि जो रिसर्च की डायरेक्शन थी, प्रोडक्शन की डायरेक्शन थी, वो चेंज कर ली, वो किसी तरफ निकल गया, वो किसी तरफ निकल गया, बास कंपनियों का आपस में मर्जर हो गए, दूसरों ने कंपनी खरीद खरूद ली, लेकिन ये कंपनियां आज तक जिंदा हैं, मौजूद हैं और इनकी जो डेवलपमेंट है टूवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर वो चल रही है। उसमें एक कंपनी इंटेल है, हमारे पास भी समझो मोर देन 90% जो कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल हैं लैपटॉप की शक्ल में, डेस्कटॉप की शक्ल में, उसमें किसी न किसी तरह जो इंटेल का प्रोसेसर है वो मौजूद है। इसीलिए करिकुलम में भी जो चीज़ें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अखबार से, तो वो इंटेल ही की पढ़ी जाती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है उसी को पढ़ा भी जाता है और उसकी जो बेस लाइन है उसको पढ़ा जाता है, जो ये बुक भी है, और वो बेस लाइन जो 8086 प्रोसेसर है, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्कस करते आइए। तो आप देखेंगे आप जी जी तो ये कौन सी कंपनी होती है सर? देखिए एक बात गौर से सुने, एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोसेसर बनाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंटेल है, मोटोरोला है और नेशनल सेमीकंडक्टर है और अभी हमने किसी का नाम लिया, ये रॉकवेल है और एक इसमें और नाम नज़र नहीं आ रहा मुझे जिसके आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर बहुत मशहूर हैं। तो ये मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपनियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसर्स बनाती हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो कंपनियाँ जो कि इन प्रोसेसर की बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, बल्कि नहीं एक और बात कहनी चाहिए, नंबर टू वो कंपनियाँ जो इन माइक्रो प्रोसेसर की बुनियाद पर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। उन कंपनियों में इनिशियली जब कंपनियां बनी थी तो IBM नाम की एक कंपनी थी जिसने IBM PC के नाम से कंप्यूटर बनाया था, और भी कई कंपनियां थी जिन्होंने मुख्तलिफ नाम से बनाए थे, मैकिंटोश थी कंपनी जिसने एप्पल के नाम से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, उन्होंने मोटोरोला के प्रोसेसर को बेस लाइन के तौर पर लिया था और IBM ने इंटेल के प्रोसेसर को बेस लाइन के तौर पर लिया था, और भी कई कंपनियाँ थीं जिन्होंने मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ नामों के साथ ब्रांड नेम्स के साथ कंप्यूटर सिस्टम बनाए थे और मुख्तलिफ प्रोसेसर जो है उसमें इस्तेमाल किए थे। जापनीज कंपनीज अलग हैं, उन्होंने ये बनाए थे, यूरोपियन में कुछ और कम्युनिटी में थे उन्होंने बनाए थे। शुरू ज़माने में बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में आईं जिन्होंने मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर को एज ए बेस लाइन प्रोसेसर ऑप्ट किया और उसकी बुनियाद पर मदरबोर्ड्स डेवलप किए, कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किए, मुख्तलिफ तरह के हार्डवेयर डेवलप किए। तीसरी चीज़ जो है वो ये थी कि उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो गोया एक तरह का रिसोर्स मैनेजर होता है। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स हैं, हार्डवेयर हैं, मेमोरी है, IOs हैं और जितनी भी प्रोसेसर सिस्टम के साथ चीज़ें लगी हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड, उन सब यूटिलाइजेशन, वो हम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के और मशीन के बीच में एक इंटरफेस है और यूज़र को मशीन का नहीं पता, लेकिन उस इंटरफेस के थ्रू यूज़र जो है अपनी कमांड्स को भले वो माउस के साथ, भले टेक्स्ट टाइप इंस्ट्रक्शंस के साथ, किसी भी तरीके से वो उन कमांड्स को पास करेगा और वो कमांड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वसूल करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है उससे एग्जीक्यूशन करवा के जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करवाए। तो उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट का नाम है कि जिन्होंने इनिशियली जो IBM का बनाया हुआ कंप्यूटर सिस्टम था उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया और उसका नाम रखा DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में जब वो चीज़ें अपग्रेड हुई तो उसका नाम रखा गया विंडोज़, जो कि आज तक चला आ रहा है और विंडोज़ 3.1 से लेके विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP
और विंडोज बताने आजकल कौन सा चल रहा है। तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है, जो कि आपका रिसोर्स मैनेजर है और जो कंप्यूटर सिस्टम के और यूजर के बीच में एक इंटरफेस है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज जो है वो यूजर एप्लीकेशन है, जिनमें मैं आप हर बंदा अपनी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करके तो किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चला सकता है। और जो यूजर इंटरफेस है वो आप कह रहे हैं कि थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल है, कंपनीज हैं जो यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और उन एप्लीकेशन को इन कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलाते हैं। ठीक हो गया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपके चार आपके लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर हार्डवेयर की है, प्रोसेसर, उसके मैन्युफैक्चरर अलग हैं। नंबर दो कंप्यूटर सिस्टम की लेयर है कि जिसके मैन्युफैक्चरर डिज़ाइनर अलग कंपनियां हैं जो कि किसी प्रोसेसर बेस के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करती है, चाहे वो लैपटॉप की शक्ल में हो, चाहे वो डेस्कटॉप की शक्ल में हो, चाहे वो हैंड हेल्ड किसी और पॉकेट डिवाइस की शक्ल में हो, चाहे आजकल के मोबाइलों की शक्ल में हो, उसकी हैंड शक्ल कुछ भी हो, उसके बीच में किसी न किसी किस्म का प्रोसेसर लगा हुआ होगा। डिजिटल प्रोसेसर हो या आजकल के हिसाब से DSP हो, तो वो प्रोसेसर होगा जो मोबाइल आपके होते हैं इनमें आपके DSP प्रोसेसर लगे हुए और वो आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की सिग्नलिंग जो है उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगेन आई रिपीट के सबसे बॉटम पे प्रोसेसर है, नंबर टू डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स बनाती हैं, चाहे वो लैपटॉप हों, चाहे डेस्कटॉप हों, चाहे मोबाइल हों, चाहे हैंड हेल्ड डिवाइसेज हों, कुछ भी हों। तीसरी चीज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती हैं। इसमें फर्मवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और इसमें थर्ड पार्टीज भी हैं और बहुत सारे एंड यूजर्स भी हैं विंडोज़ के अलावा। ज़ाइलिंक्स आपने सुना, ज़ाइलिंक्स नहीं क्या नाम है उसका, पर ये इलेक्ट्रिकल का एरिया नहीं प्राइमरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का एरिया है। तो ये अलग तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो आपके एंड यूज़र एप्लीकेशंस हैं जो XYZ कोई भी बना सकता है और वो बना के उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चला सकता है, जैसे आप वर्ड चलाते हैं और एक्सेल चलाते हैं और मुख्तलिफ तरह के एप्लीकेशन चलाते हैं। ये सारी थर्ड पार्टी जो है वो एप्लीकेशन हैं जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चलाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा जी, आप देखें मैं आप बुक में जो है वो तो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, डिफरेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं जिसमें ये सारी प्रोसेसर की हिस्ट्री जो है वो सारी समराइज की हुई, जमा की हुई है। मैंने उसको कागज़ पे एक टेबल के फॉर्म में लिखा था, यहाँ आपको दिख रहा है। सबसे लेफ्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है, फिर डिवाइस का नंबर नाम नज़र आ रहा है, फिर उसके आगे डाटा बस, एड्रेस बस, और आगे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और आखिर में एक रिमार्क्स का खाना बना के कुछ कमेंट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो जब कभी भी हम किसी माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी करेंगे तो हम ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे उसका गोया एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, डेवलपमेंट जो है वो आपस में एक तरह से डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो डिवाइस डेवलप की वो 1971 में डेवलप की, उसका नंबर था 4004। तो इसकी डाटा बस जो है वो 4 बिट की थी और एड्रेस बस जो है वो 12 बिट की थी, और 12 बिट की एड्रेस बस का मतलब 2^12, तो 4K जो गोया एड्रेस स्पेस थी वो अवेलेबल थी। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की कैपेसिटी थी वो 50 किप्स थी, 50 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी जो ये प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता था वो 45 थी। इसमें मुमकिन है कुछ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो उस ज़माने में जो भी इसका इंस्ट्रक्शन सेट होगा उसमें उसकी डिटेल मिल जाएगी कि कितनी इंस्ट्रक्शंस और वो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं वो हो सकती हैं। अगेन आई रिपीट कि जब कभी भी प्रोसेसर डिज़ाइन होने जाएगा सबसे पहला काम ये होगा कि इस प्रोसेसर से किस तरह की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी हैं। तो डिज़ाइनर सबसे पहले तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिस्ट करेगा, फिर उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर अगला स्टेप होगा, अच्छा भाई इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए किस किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस किस तरह के रजिस्टर्स चाहिए, किस किस तरह के एड्रेस सबट्रैक्टर वगैरह वगैरह, जो आपने DLD में कुछ चीज़ें पढ़ी भी हैं
वो चाहिए, उनको कैसे आपस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बाय दिस वे चीज़ें जो हैं वो आगे डेवलप होती चली जाएगी। जी 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 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का ये समय नहीं है सर, और इसके बाद जो 45 है ये जी 45 सर लिखा हुआ है 50 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये आपको समझ ले इसका स्पीड का या परफॉर्मेंस का पैरामीटर है कि ये प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। 50 KIPS 50 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसकी गोया एग्जीक्यूशन स्पीड थी, और इस स्पीड का ताल्लुक डेफिनेटली जो मास्टर क्लॉक लगाई जाएगी उसके साथ भी होगा। और इसकी जो एप्लीकेशन थी वो वीडियो गेम्स थी, कंट्रोल सिस्टम्स थे जो उस ज़माने में डेवलप किए गए। फिर उसी साल में कुछ महीनों के बाद 4004 के से एक नेक्स्ट वर्जन जो है वो 4040 के नाम से डेवलप किया गया। उसकी बाकी सब चीज़ें वही थी, कुछ स्पीड जो है वो हायर थी उस हिसाब से, उसका जो है वो जो परफॉर्मेंस थी कदर बेहतर थी। आगे मैंने वो लाइन लगा के बीच में लिखा हुआ है कि टेक्सस इंस्ट्रूमेंट ने भी उस ज़माने में इंटेल के मुकाबले पे 4 बिट के प्रोसेसर जो है वो डेवलप किए, जो ओवन में, कैलकुलेटर्स में और मुख्तलिफ तरह की जो एप्लीकेशन है उनमें इस्तेमाल होते हैं और शायद आज तक भी इस्तेमाल होते हैं। ये 1970-72 के ज़माने की डेवलप शुदा चीज़ें थी, लेकिन इनकी एप्लीकेशन आज भी एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं। सर कैंडी डाटा बस को एक्सप्लोरेट करने सर, डाटा बस आपका वो साइज है जिसके ऊपर आपका नंबर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है विद इन द प्रोसेसर, और नंबर टू एक्सटर्नल मेमोरी के साथ जो कनेक्शन है वो उसका साइज है कि कितने बिट की इंफॉर्मेशन रीड या राइट होगी मेमोरी से। तो 4 बिट डाटा बस मतलब ये है कि आपका 4 बिट्स एक वक्त में रीड या राइट होंगी मेमोरी से, और मे बी कि आपके जो उस जमाने की मेमोरी है उसका साइज भी 4 बिट रखा गया हो, लेकिन बाद में जब ये 8 बिट स्टैंडर्ड हो गया तो फिर उसके बाद से लेके आज तक मेमोरी का साइज 8 बिट ही पर साइज स्टैंडर्ड के तौर पर चल रहा है। सर जी जी जो डेटा बस है सर, डेटा बस और जो एड्रेस लाइन है इनमें मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेबल है कि या इंडिपेंडेंट है कि अगर डेटा बस 4 हो तो एड्रेस 12 मतलब मर्जी होगी ना सर हम डेटा बस ये बिल्कुल बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। एड्रेस बस जो है वो ये बताती है कि कितनी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी कनेक्ट की जा सकती है प्रोसेसर के साथ, और डेटा बस ये बताती है कि एक वर्ड किस साइज का होगा जो पैरेलल प्रोसेसर के साथ रीड राइट हो सकेगा, नंबर एक। और नंबर दो, इंटरनली जो उसका प्रोसेसर यूनिट है जो अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कितने साइज के डाटा के साथ आपका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर आपको याद हो डीएलडी में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक 4 बिट का पैरेलल एडर, याद है आपको 4 बिट पैरेलल एडर पढ़ा था ना आपने, जिसमें आपकी 4 बिट्स ए की और 4 बिट्स बी की पैरेलल आपस में ऐड होती हैं। भाई साहब डीएलडी याद है कि भूल गए, भी तो कल परसों से पढ़ी थी आपने। और इसी तरह से डीएलडी के 7वें चैप्टर में आपने पढ़ी होंगी चीजें 6वें 7वें चैप्टर में कि आपके रजिस्टर्स होंगे जो पैरेलल लोड भी कर सकेंगे, जो शिफ्ट राइट भी कर सकेंगे, जो शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकेंगे, रोटेट भी कर सकेंगे। तो आपका 4 बिट का या 8 बिट का रजिस्टर होगा जो कि ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता होगा। डीएलडी में आपने 6वें 7वें चैप्टर में इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। एक रजिस्टर 8 बिट का होगा जो काउंट भी कर सकता है, काउंट अप भी कर सकता है, काउंट डाउन भी कर सकता है, पैरेलल लोड भी कर सकता है, शिफ्ट राइट भी कर सकता है, शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकता है। क्या इस तरह के रजिस्टर्स आपने 6वें 7वें चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े? सर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा था, पढ़ा है ना यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आपने डीएलडी में पढ़ा है, जिसमें आपने देखा कि 2 सिलेक्ट लाइनों के जरिए से आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 0001 1011। एक केस में क्लॉक आएगी तो पैरेलल लोड हो जाएगा, एक केस में क्लॉक आएगी तो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, एक केस में क्लॉक आएगी तो शिफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
एक केस में कुछ भी नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल। तो आपने एक्सरसाइज भी की होगी, तो एक्सरसाइज में इन चार के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी डिजाइन करने के लिए टास्क है वो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आपकी जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो किस साइज के डाटा के ऊपर हो रही है, इस डाटा बस का ताल्लुक उसके साथ भी। तो जितनी भी आपकी डाटा बस मेंशन होगी 8 बिट की, 16 बिट की, 32 बिट की, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर का साइज है वो उतने बिट का है। और जो आपकी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, या लॉजिक इंस्ट्रक्शंस एंड की, और की, एक्सक्लूसिव और की एक्सेट्रा परफॉर्म होंगी, वो 4 बिट के डाटा के ऊपर होंगी, या 8 बिट के डाटा के ऊपर होंगी, या 16 बिट के डाटा के ऊपर होंगी, या 32 बिट के डाटा के ऊपर होंगी। तो व्हेनेवर वी से डाटा बस, इसके दो तर्जमे हैं। नंबर एक, इंटरनली जो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो किस साइज के डाटा के ऊपर है। नंबर दो, एक्सटर्नल मेमोरी के साथ जो कनेक्शन है वो आपका जो डाटा के हिसाब से पैरेलल डाटा रीड या राइट होगा उसका साइज क्या है। ठीक है, सम टाइम ये अलग अलग भी हो सकता है, जिस तरह इसी में आप देखेंगे आगे चल के आएगा 8086 और 8088। तो 8088 में इंटरनल जो ऑपरेशन है वो 16 बिट डाटा के ऊपर हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो मेमोरी का इंटरफेस है वो 8 बिट डाटा के साथ है। व्हेन एवर वी से डाटा बस, तो डाटा बस से मुराद वो एक्सटर्नल लाइंस हैं जो मेमोरी के साथ या आईओ के साथ कनेक्टेड हैं और उनके ऊपर पैरेलल डाटा रीड या राइट होता है। तो ये 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये बताएगा कि कितने बिट्स पैरेलल मेमोरी से और आईओ से रीड राइट हो सकेंगे। और नंबर दो, ये भी बताएगा कि इंटरनल प्रोसेसर जो है उसकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो पर वर्ड या वर्ड वाइड कितनी साइज के ऊपर है। और एड्रेस ये बताएगा कि कुल कितनी तक मैक्सिमम मेमोरी एड्रेसेबल इस प्रोसेसर के साथ कनेक्ट की जा सकती है, कुल कितनी एड्रेसेबल मेमोरी इस प्रोसेसर के साथ कनेक्ट की जा सकती है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए जो मैंने आपको बेस डायग्राम बताई थी उसमें मैंने आपको दो लाइनें दिखाई थी, उसमें एक के बारे में कहा था कि एड्रेस होगा जो प्रोसेसर से जनरेट होगा और मेमोरी की तरफ जाएगा या आईओ की तरफ जाएगा, कि जिसके ज़रिए से हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स स्पेसिफाई कर सकेंगे कि कितने मैक्सिमम रजिस्टर्स को एड्रेस किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली यूनिकली। जबकि जो डेटा बस है वो ये बताएगी कि पर वर्ड मेमोरी का साइज क्या है जिसके हिसाब से पैरेलल डेटा रीड या राइट होगा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो इसीलिए हम जब कैटेगराइज करेंगे और सेलियंट फीचर्स के तौर पे प्रोसेसर्स की हम जो गोया देखेंगे तो उसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि प्रोसेसर की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी है नंबर एक, और नंबर दो प्रोसेसर की डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितनी। ठीक है, दो बातें ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा ओके इसकी स्पीड कितनी है, कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है वगैरह वगैरह, और जो फिर कोई एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं वो इसके साथ हम देखेंगे। ठीक हो गया, तो 1972 में जी खास क्या सर, इसकी कोई खास वजह है कि एड्रेस बस इनकी चेंज है? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई और प्रोग्राम्स डेवलप होने शुरू हुए, तो पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स आने शुरू हो गए और महसूस हुआ कि भाई ये जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है तो बड़ी थोड़ी है और इसमें तो हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेमोरी कैपेसिटी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई और जो डाटा साइज उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती चली गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो, और उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो फिर जो है वो इसको डिजाइन को अपग्रेड करते रहे, स्पीड के वाइज भी और एड्रेस के साइज के वाइज भी। तो वो जो वक्त के साथ साथ प्रोग्राम्स बड़े होते गए, एप्लीकेशन साइज बड़ी होती गई और उसका टाइम कंज्यूमिंग जो है कंजम्पशन बढ़ता चला गया, स्पीड बढ़ती चली गई, तो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती रही। ओके सर, थैंक यू। दोनों तरफ आएगी जाएगी, रीड ऑपरेशन होगा तो मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ,
राइट होगा तो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, लेकिन जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल होगी, हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या प्रोसेसर से आईओ की तरफ। एड्रेस हमेशा प्रोसेसर से जनरेट होगा और बाहर आएगा, और बाहर आके मेमोरी की तरफ जाएगा या आईओ डिवाइस की तरफ जाएगा, जबकि डाटा जो है ये टू वे डायरेक्शन है, डाटा जो है वो अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा। प्रोसेसर के अंदर आएगा तो रीड है और प्रोसेसर से बाहर आएगा तो राइट, ठीक है। जनाब 1972 में 8008 नाम का 8 बिट का प्रोसेसर बनाया गया, जिसकी एड्रेस की लाइंस 14 थी, 14 का मतलब 2 to the power 14, तो 16 किलोबाइट मेमोरी एड्रेस हो सकती थी, और इसकी भी इंस्ट्रक्शन की स्पीड जो है 50 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड थी, और इसमें 3 इंस्ट्रक्शंस और ऐड हो गई, 48 बन गई। लेकिन एक साल बाद ही और चंद महीने बाद ही इसका अगला वर्जन जो है वो बनाया गया, जिसका नाम 8080 था, और 8080 जो था इसमें 8 बिट का डाटा था, 16 बिट की इसकी एड्रेस थी, और 16 बिट के एड्रेस का मतलब 64 के आपकी मेमोरी एड्रेस हो सकती थी, और 500,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसकी गोया इस एग्जीक्यूशन स्पीड थी। और ये वो प्रोसेसर था जो TTL कंपेटिबल भी था, और ये वो प्रोसेसर था जिसको MITS नाम की कंपनी ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, और उसका नाम भी उसने जो है ना वो Altair 8800 रखा। तो ये बनाया गया, लॉन्च किया गया, और मार्केट में जो है वो गया एक कंप्यूटर की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन हुआ कि एक चीज़ डेवलप हुई जिसका नाम कंप्यूटर सिस्टम था, कंप्यूटर था। तो इंटेल के प्रोसेसर की बेस पे ये वाला बना था, और मोटोरोला का जो है वो कुछ और बना था, एप्पल के नाम से बना था, और ज़ाइलॉग का एक और नाम से बना था। तो उस ज़माने में 8 बिट के प्रोसेसर की बुनियाद पर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दर्जनों मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाए, लॉन्च किए और मार्केट किए, और एक नई गेम, एक नई रेस शुरू हो गई, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, और लोगों को नई एक चीज़ मिली सोचने की, करने की, देखने की। तो फिर 3-4 साल तक ये चलता रहा, फिर 77 में आपको मैं अभी ऊपर कर देता हूँ कि ये जो पहला कंप्यूटर सिस्टम बना था, ये लाल रंग से लिखा हुआ है कि बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे थी, जो उस ज़माने में बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने 75 में डेवलप की थी। ये बाबा जो है बाबा, ये उस ज़माने से इस इंटेल के प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड है। तो जो पहला कंप्यूटर सिस्टम बना था 1974 में Altair 8800 के नाम से, जो किसी MITS MITS कंपनी ने बनाया था, उसका जो एक बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रेटर था वो मिस्टर बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने डेवलप किया था 1975 में। आई कुछ समझ? तो इसने अपनी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट थी उसके बाद बनाई थी, पहले नहीं बनाई थी, पहले इस कंपनी के साथ काम करता था MITS के साथ, और उस ज़माने में इस कंप्यूटर सिस्टम का इंटरप्रेटर जो है वो उसने डेवलप किया था। उस ज़माने में इंटरप्रेटर कहते थे, बाद में फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहना शुरू किया। फिर 1977 में 8085 के नाम से ही ऑलमोस्ट सेम तरह के स्पेक्स थे, 8 बिट का डेटा था, 16 बिट की एड्रेस थी, इंस्ट्रक्शन की जो कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई, और वो 500,000 के बजाय 769,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो गई, और इंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी बढ़ गई, 48 के बजाय 246 इंस्ट्रक्शंस का इसके अंदर एक डेवलप किया गया सिस्टम, कि जो ये मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती थी, और इसकी इंटरनल क्लॉक जनरेटर था। उस ज़माने में 1977 से लेके समझो 80 तक का 3-4 साल का ज़माना है, तो इंटेल ने 100 मिलियन 8085 की चिप्स जो है वो फरोख्त की, और इसके ऊपर लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम बनाए, और उसके मुकाबले में ज़ाइलॉग कंपनी ने Z80 प्रोसेसर के 500 मिलियन प्रोसेसर्स बनाए, और इसके कंप्यूटर सिस्टम्स बन के मार्केट हुए और चले। और मुझे याद है हम जब स्टूडेंट थे तो उस वक्त हमारे पास भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक Z80 बेस्ड जो है वो प्रोसेसर डेवलपर सिस्टम मौजूद था, जिसमें उस ज़माने में 1986 वगैरह हमने उस Z80 के जो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की थी, और कुछ लैबें हमने की। और जो इसमें सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि 8085 की और Z80 की जो मशीन लैंग्वेज थी वो कंपेटेबल थी एक दूसरे के साथ,
और इसीलिए कंपनियों को जो है वो स्वैप करना और दोनों प्रोसेसर में से कोई भी इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल नहीं था, आसान था। टेबल मैंने पीछे ही बनाया था, फेयरचाइल्ड ने और नेशनल सेमी कंडक्टर ने, रॉकवेल ने और बहुत सारी दूसरी कंपनियों ने उस जमाने में, ये 1970 से लेके 80 तक का ज़माना है, 8 बिट के प्रोसेसर्स बनाए और मार्केट में दाखिल होने की, घुसने की कोशिश की। जिनमें से मैंने आपसे कहा कि इंटर बाकी रह गया, जाइलोर बाकी रह गया, मोटोरोला बाकी रह गया, जो प्रोसेसर आज तक बना रहे हैं, बाकी कंपनी आस्ते आस्ते जो फेज आउट हो गई और उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करके कुछ और डायरेक्शन जो है वो अपनी प्रोडक्शन के लिए ले। नाउ वी स्टार्ट द बेस लाइन जो 1978 में डेवलप किया था 8086, तो ये 16 बिट का प्रोसेसर था और इसमें जो एक बिग चेंज थी वो दो तरह से बिग चेंज थी, आप देखें आपको नजर आएगी 8085 से देखें। पहली बात तो ये है कि अब तक जितने प्रोसेसर बन रहे थे वो सारे 8 बिट के प्रोसेसर बन रहे थे और जितनी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही थी वो भी 8 बिट की एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी। थर्ड पार्टी जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे वो भी सारे 8 बिट के हिसाब से डेवलप कर रहे थे और मार्केट में कंप्यूटर सिस्टम इन हो चुका था और बहुत सारे जो है वो गेमे बनाने वाले और जो है मुख्तलिफ जो है वो बैंकों के सॉफ्टवेयर बनाने वाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाने वाले दुनिया में आ गए और चीज़ें जो है मॉडर्नाइज होने लगी, कंप्यूटराइज होने लगी और ये 8 बिट के प्रोसेसर जो है उनके सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होते थे। तो उस जमाने के अखबार से ये इंटेल ने बड़ा छक्का मारा ना और उन्होंने कहा कि ओहो ये 8 बिट के बजाय हम 16 बिट का प्रोसेसर बना रहे हैं और इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 20 लाइंस है, 1 मेगाबाइट की मेमोरी एड्रेस हो सकती है और इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है और जिसमें 117 बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और 20,000 उन इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो बेशुमार जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं और 4 से 6 बाइट की इसके अंदर कैश भी मौजूद है। तो वाह 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 वा, बड़ा शोर मचाया कि जी हमने बड़ी एक तूफान चीज़ बना ली है। लेकिन हुआ ये दो बातें हुई, एक बात तो ये हुई कि ये सब बनाने के बावजूद भी मार्केट में 8086 जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, एक बात तो ये थी कि लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए थे और उनकी जो है वो एप्लीकेशंस 8 बिट के ऊपर डेवलप हुई नहीं थी और अब वो बिल्कुल एक नए सिस्टम के ऊपर आना और उसके लिए फिर नए सॉफ्टवेयर बनाना और फिर नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, तो ये भी एक बड़ा कॉस्टली चीज़ थी और किसी कंपनी को भी स्विच ओवर करना कि जैसे वो हार्डवेयर भी सारा बदला दे, सॉफ्टवेयर भी सारा बदला दे, फिर काफ़ी महंगा सौदा था। तो इस सारी डेवलपमेंट के बावजूद भी हुआ ये कि जो 8086 था ये मार्केट में गोया एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब इंटेल वाले परेशान हो गए, अब क्या करें भाई। तो फिर इंटेल ने एक काम तो ये किया कि एक साल बाद ही 8086 का एक और वर्जन जारी किया जिसको उन्होंने नाम रखा 8088 और उसमें उन्होंने किया ये कि इंटरनल आर्किटेक्चर वही रखा जो कि 16 बिट की प्रोसेसिंग थी लेकिन एक्सटर्नल डाटा बस को दोबारा 8 बिट कर दिया ताकि वो 8085 के और दीगर जो 8 बिट के प्रोसेसर हैं उनके कंपेटेबल हो जाए ताकि जो एंड यूजर एंड एप्लीकेशन थर्ड पार्टीज ने डेवलप कर रखी हैं वो इसके ऊपर भी चलाई जा सकें और इसको जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑप्ट किया जा सके। तब फिर गोया उनको सक्सेस मिली और फिर IBM कंपनी ने 1981 में 8088 को अपना बेस लाइन प्रोसेसर के तौर पे ऑप्ट किया और पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम IBM PC बनाया और जिसके ऊपर 4.7 मेगाहर्ट्ज की जो है वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी लगाई, बाद में इम्प्रूव करते करते वो उसको 12.5 मेगाहर्ट्ज तक भी ले गए। तो फिर जो है वो इंटेल ने एक डिसीजन लिया और इंटेल ने ये डिसीजन किया कि 8086 की जो कोर है, 8086 का जो बेस लाइन डिज़ाइन है इसको हमेशा जिंदा रखा जाएगा और जिसने 1980 के ज़माने में कोई एप्लीकेशन 8086 8088 के ऊपर डेवलप की थी आज वो कोर i5 के ऊपर कोर i7 के ऊपर भी चलाएगा तो वो उसी तरह से चलेगी और वो उसी तरह से आपको परफॉर्मेंस देगी, कोई आपको अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए लिटरेचर में किसकी बताई आई है और बात सुन, तू हमें यहाँ से रुख्सत दे कि चला गया और मिठाई खिला रहा है। खैर तुझे प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारक हो, हम तो तेरी खिदमत से महरूम हो गए ना।
वैसे शुगर वाले को सुबह सुबह थोड़ी सी लूंगा ये बताओ कि वो तुम ज्वाइन कर लिए क्या? हाँ जी सर, उधर जमा करवा दी है वो कहते थे अभी इधर बैठे आप 10 दिन फिर आपको बताते हैं किस सेक्शन में देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बस सर ये आपकी बड़ोगी सर मेहरबानी है तुम्हारी सही जहाँ भी रहो हमें याद रखना हमारे काम करते रहो सर। अल्लाह पाक है आगे अल्लाह मामला आसान करवाए। क्योंकि सर मैंने 11-12 साल इधर थे एडमिन में कभी काम नहीं किया मुझे ये भी थोड़ा सा इंतजार हमारे कई लोग जो एडमिन में गए हैं वो बड़े कामयाब रहे हैं। एहसान ने हमारे पास इलेक्ट्रिकल में काम किया बहुत साल तो वो एडमिन में चला गया फिर एआर भी बन गया सी टाइप में रहता है एक वो नहीं था वहाँ पे कंप्यूटर में वो भी वहाँ से एडमिन में चला गया तो हमारे बहुत सारे लोग एडमिन में हैं बहुत मैच चले गए सर। अच्छा मित्र आप 5 मिनट और 5 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं कुछ सवाल सोच लें मैं जरा 1-5 मिनट में जी जनाब क्या बात हो रही थी कौन बताएगा? क्या बात हो रही थी कौन बताएगा भाई? सर ये IBM ने जो 88 इस्तेमाल किया था इसके बारे में। जी तो एक बात तो ये हुई कि IBM कंपनी ने 88 प्रोसेसर को अपने बेसलाइन प्रोसेसर के तौर पे ऑप्ट किया और IBM PC के नाम से कंप्यूटर सिस्टम बनाया जो लॉन्च किया गया और इंटरनेशनली आज तक IBM PC IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इंटेल ने एक फैसला ये किया नंबर एक मैंने बता रहा था आपसे इंटेल ने एक फैसला ये किया कि जो 8086 की कोर है 8086 का मुकम्मल डिज़ाइन है जिसमें उसकी एड्रेस का साइज डाटा का साइज और तमाम इंस्ट्रक्शंस उनको गोया एक तरह से फैसला किया कि ये डिज़ाइन रिजर्व रहेगा
और जो डेवलपमेंट भी होगी और आइंदा जो भी नए प्रोसेसर बनेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड होंगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन उसके अंदर जो ये 8086 का इक्वलेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो जिंदा रखी जाएगी और वो आज तक जिंदा है। मैं आपसे कह रहा था कि आज भी जो Core i5 Core i7 प्रोसेसर्स मौजूद हैं इनके अंदर भी 8086 की जो बेस कोर है वो एज इट इज़ मौजूद है। लिहाजा जो 1980 और 90 के ज़माने में फॉर एग्जांपल किसी ने एप्लीकेशन डेवलप की थी और वो 8086 प्रोसेसर के ऊपर डेवलप की थी, वो उस एप्लीकेशन को एज इट इज़ आज भी जो लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर है उसके ऊपर चला सकता है विदाउट एनी लॉस। इसीलिए लिटरेचर में जब कभी भी हम प्रोसेसर्स की स्टडीज करते हैं तो आज भी जो बुक गोया प्रोसेसर की स्टडीज़ के लिए छपती है, पढ़ी पढ़ाई जाती है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, उसमें फिर जो ये बेस लाइन स्ट्रक्चर है 8086 का, इसको एज ए प्रोसेसर स्टडी पढ़ा पढ़ाया जाता है। तो हम भी अपने इस कोर्स में जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर है इसी 8086 की कोर को पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, इसकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज को पढ़ते हैं, इसके इंटरनल आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं। अब इसका साइज जब डाटा बस का 16 बिट है तो उसी हिसाब से जो इसकी इंस्ट्रक्शन का साइज है वो भी 16 बिट कहलाता है और इसमें जो गोया इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी 16 बिट डाटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। बाद में जब इम्प्रूवमेंट हुई और 16 बिट के बजाय 32 बिट के प्रोसेसर आए तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस अजाफी डेवलप की गई वो 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस डेवलप की गई, लेकिन अगेन जो 8086 की 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस का कंप्लीट सेट था वो भी उसके अंदर एज इट इज़ मौजूद। तो किया ये गया कि 8086 प्रोसेसर का मुकम्मल हार्डवेयर, मुकम्मल उसका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इंस्ट्रक्शंस का आर्किटेक्चर है, वो उसी तरह से प्रिजर्व रखा गया और उसके ऊपर जितनी नई चीज़ें डेवलप हुई इंस्ट्रक्शन के अतबार से, उसके हार्डवेयर के अतबार से, उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी के अतबार से, ब्ला 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 जो भी कुछ हुआ, तो वो सारे का सारा उसके ऊपर जो है वो गोया एक तरह से उसका एक सबसेट जो है हमेशा 8086 की कोर रही है और आज तक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, बहुत जल्दी अभी 8086 को मार्केट में आया, चंद साल ही हुए थे, तो अंदाजा हुआ कि जो 1 मेगा की मेमोरी कैपेसिटी है तो बहुत थोड़ी, और प्रोग्राम लिखें तो बड़ी जल्दी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। उस ज़माने में भी कई अल्टरनेट कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किए गए ताकि 1 मेगा से ज़्यादा का जो एड्रेस स्पेस है उसके अंदर जो है हम कोई मेमोरी प्लेस कर सकें और उसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम रख सकें, लेकिन बहुत जल्दी महसूस हो गया कि ये बात नहीं बन रही तो इसकी मेमोरी की एड्रेसिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। अब लेकिन चूंकि ये फैसला भी हो चुका था कि 8086 का जो भी डिज़ाइन है और जो भी इसका हार्डवेयर है विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी, विद रिस्पेक्ट टू एड्रेसेस, उसको भी इंटैक्ट रखना है, लिहाजा उसको भी इंटैक्ट रखा गया और उसके बाद जो आपकी अजाफी एड्रेस की लाइंस थी और उनकी जो अजाफी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी थी उसको फिर एक नए नाम के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो आप देखें ऊपर आपको कोने में एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है रियल मोड, ये देखें ये यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है रियल मोड, मैंने इसको ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ देखें ये कोने में लिखा हुआ रियल मोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 1979 के आगे आखिर में कोने में लिखा नजर आ रहा है रियल मोड। यस सर, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये रियल मोड ये चीज थी कि इंटरनल रजिस्टर्स का साइज है 16 बिट जबकि एक्सटर्नल एड्रेस की लाइंस है 20। दोनों आपको सामने लिखी नजर आ रही है, 16 बिट का डाटा है और 20 बिट का एड्रेस की लाइंस है। अब जब एड्रेस जनरेट होगा तो एड्रेस भी इंटरनल रजिस्टर्स की मदद से ही जनरेट होगा ना, तो एड्रेस की जो स्कीम डेवलप की गई 8086 के अंदर वो ये थी कि एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर बेस एड्रेस होगा और एक दूसरा रजिस्टर होगा जिसको ऑफसेट एड्रेस कहेंगे,
तो बेस एड्रेस में वो ऑफसेट वैल्यू ऐड होगी और उसके ऐड होने से 20 बिट का एक एड्रेस फिजिकल बनेगा जो एक्सटर्नल एड्रेस बस के ऊपर भेजा जाएगा। ये जो एड्रेस का मैकेनिज्म था ये रियल मोड, उस जमाने में तो रियल मोड पता नहीं कहते थे कि नहीं कहते थे, लेकिन उस जमाने में ये एड्रेसिंग मैकेनिज्म था जिसमें एक रजिस्टर की मदद से बेस एड्रेस और एक दूसरे रजिस्टर की मदद से जिसको ऑफसेट कहते थे उस बेस एड्रेस में कुछ वैल्यू ऐड करके तो हम एक 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाते थे जो एड्रेस बस के ऊपर जो है वो गोया अपीयर होता था और उसके आगे मेमोरी लगी हुई होती थी और उस मेमोरी में से फिर वो लोकेशन सेलेक्ट होती थी और वहाँ से फिर 16 बिट का डाटा रीड या राइट होता था। अब जब ये तय हो गया कि भाई ये वाला मैकेनिज्म भी बाकी रखना है और जो इजाफी एड्रेस स्पेस होल्ड कर रखना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ठीक हूँ सर, बस मेरी ये 11:10:50 पे क्लास खत्म है फिर मैं अवेलेबल हूँ। ठीक सर, आपके दफ्तर में सर? ठीक सर, मैं 12 बजे हाजिर हो जाऊँ सर। ठीक सर, वेलकम, आप हाजिर। तो चूंकि एक प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका था कि जो 86 का मेमोरी मैकेनिज्म है उसको भी इंटैक्ट रखना है और जो एडिशनल एड्रेस स्पेस डेवलप करनी है उसके लिए कुछ स्कीम सोचनी है कि कैसे सोचें कैसे बनाएं कि जिससे हमारी जो तमाम एडिशनल मेमोरी है वो एड्रेस भी हो सके और प्रॉपरली तमाम एप्लीकेशंस के साथ जो है वो इंटैक्ट भी हो सके। तो पहली बात तो ये है कि एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। इसका नाम रखा गया प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। ये भी आप देखें तो ये जो लाइन बनी हुई है 1982 वाली, इसके ये कोने में, इसके कोने में सिलेक्ट कौन सा है? क्या बात है भाई साहब, क्यों हंसी आ रही है आपको? भाई साहब हंसना है तो माइक बंद कर लो, माइक बंद कर कैसो वो किसी और से पूछा रहे जो नहीं लेके आया दे से ना। कितनी छोटी है इसका, इतना बड़ा बाउंड नहीं है। वो तो मैं तो बाहर से भी नहीं ले लूंगा जाके, वो चक्कर नहीं है। तो हल्का सा पहन ले कुछ, तू एक दो ही ले हो यार बस। ये इसका तो नहीं है, ये किसकी कॉल आ रही है? जी आपकी बातें खत्म हो गई आपस में? अगर बातें खत्म हो गई मैं फिर बात शुरू करूं मैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, अगर आपकी बातें खत्म हो गई फिर बात शुरू करूं मैं। विल मी सर। जी सर, जो बीट बस है सर, ये 8 के मल्टीपल फैक्टर्स में क्यों है सर? जैसे कि 8 हो गया, फिर 16, फिर 32, ये इनके मतलब बीच में भी कोई नहीं आ सके, इसके अलावा भी नहीं आ सके सर, क्योंकि इनका ताल्लुक रजिस्टर से है ना सर। तो हम रजिस्टर को 40 भी रख सकते हैं, 43, तो ये सिर्फ 8 के मल्टीपल फैक्टर्स में क्यों आते हैं सर? इसलिए कि ये भी एक प्रिंसिपल डिसीजन था कि मेमोरी का साइज बाइट वाइड हो। जब बाइट वाइड होगा तो 1 बाइट होगी, 2 बाइट होगी, 4 बाइट होगी, मेमोरी इस तरह से होगी। इसीलिए प्रोसेसर या फिर 8 बिट का होगा या 16 बिट का होगा या 32 बिट का होगा या 64 बिट का होगा। जितनी आपकी मेमोरी की मल्टीपल्स हैं उतनी आपके प्रोसेसर की जो है वो गया एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी होगी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 4 पॉइंट में आ जाए तो इस तरह से हो सकता है? होने को जो भी हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंटेल ने जब डेवलपमेंट की थी तो वो कैसे चलता चला गया था। मुमकिन है किसी और थर्ड पार्टी ने कुछ और चीज़ भी बनाई हो, लेकिन बहरहाल जो इंटेल ने बनाया वो इस तरह से बनाया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है वो इंटेल ने महसूस कर लिया कि जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी है और एप्लीकेशंस के साइज बड़े हो गए हैं, ज़्यादा मेमोरी साथ लगाने की ज़रूरत है। तो इंटेल ने क्या किया कि 1982 में 8286 के नाम से जो है प्रोसेसर डेवलप किया, जो कि 8086 के ही इक्वलेंट था, 16 बिट का प्रोसेसर था, लेकिन उसकी जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी थी वो इम्प्रूव करके 24 लाइंस कर दी। तो 24 लाइंस का मतलब 2^24, तो 16 मेगाबाइट इसकी जो है टोटल एड्रेसिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन अगेन जो मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस बात का प्रिंसिपल डिसीजन हो गया था कि जो 8086 का जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर उसको इंटैक्ट रखना है, लिहाजा इस 16 मेगाबाइट की जो टोटल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है इसमें से 1 मेगाबाइट की जो है वो रियल मोड जो कि 8086 के इक्वलेंट है वो कहलाएगी, और जो 16 से ऊपर बकाया रिमेनिंग 15 मेगाबाइट की है वो एक्सटेंडेड मेमोरी कहलाएगी, और ओवरऑल उसकी जो कैपेसिटी होगी मेमोरी हैंडलिंग की उसको जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म होगा उसका एक नया नाम रखा गया और वो आखिर में लिखा हुआ है नीचे आपको नजर आएगा 8 मेगाहर्ट्ज़ वर्जन और लास्ट 16 बिट प्रोसेसर और नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। सो दिस इज द थिंग, दिस वाज द थिंग विच वाज ए न्यू वे और जो आज तक चला आ रहा है कि जो भी आपकी एड्रेसिंग स्कीम होगी वो कहलाएगी प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग, और वो इसलिए कहलाएगी कि क्योंकि 8086 का जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म था उसको भी मेंटेन रखना था और जो नया एड्रेसिंग मैकेनिज्म है उसको भी जो है अगले प्रोसेसर्स के अंदर डेवलप करना था, इसलिए फिर इसके नाम अलग अलग हो गए कि जो रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग है ये वो है जो 8086 में मौजूद था, और प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग वो है जो कि जितने भी 8086 के बाद प्रोसेसर्स एडवांस आए उसमें जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म था उसका नाम फिर प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है। इस बुक के इस चैप्टर में इन दोनों को नहीं अगले चैप्टर में इन दोनों को तफसील से डिस्कस किया हुआ है, और इसमें 8 मेगाहर्ट्ज़ का बेस प्रोसेसर वो क्रिस्टल लगाया गया स्पीड के अखबार से और 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो इसकी गोया जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड है वो थी। 8086 8088 तक जो प्रोसेसर थे ये 40 पिन की चिप थी, 40 पिन की चिप में 20 लाइंस चिप की एक तरफ थी, 20 लाइंस एक तरफ थी, और फिर 286 जब बनाया और उसमें एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इन्हांस की तो फिर नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन्स भी बढ़ गए, तो ये आपकी जो 68 पिन की चिप बनी और इसके अंदर 134K ट्रांजिस्टर्स थे। 8086 के भी कहीं लिखे हुए होंगे कितने थे, यहाँ लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे लेकिन होंगे कहीं, तो ये थोड़ा सा एक पैरामीटर था कि कितने इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। फिर 3 साल के बाद 85 में एक और बड़ी जंप लगाई गई, और वो बड़ी जंप ये थी कि जिसमें जो डाटा का साइज था उसको भी 32 कर दिया और जो एड्रेस का साइज था उसको भी 32 कर दिया, तो उस प्रोसेसर का नाम था 8386। मतलब ये फोन सुनने के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाए मिजाज बखैर सर। ठीक सर, ठीक सर, मई का मतलब सर ये है कि अप्रैल में इसको ओपन कर देंगे इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह। सर कोई मीटिंग तो नहीं करनी आपने जो हम आए आपके पास, ये ऑनलाइन ही करनी है? ठीक सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक होगा सर। सर इसके पर जो भी डिसीजन होंगे आप कम्युनिकेट कर देंगे ताकि उसी हिसाब से। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, ओके सर।
85 में इंटेल ने एक और बड़ी जंप लगाई जिसका नाम 386 रखा गया और उसमें 32 बिट का डाटा था, 32 बिट का एड्रेस था, और 32 बिट का एड्रेस का मतलब है 2^32, तो 4 गीगा बाइट तक की मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी और 6 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो इसकी स्पीड थी। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि बस साइकिल जो है वो 2 क्लॉक्स पर था। हम आगे चल के देखेंगे 886 में जो बस साइकिल था वो 4 क्लॉक का था, तो 4 क्लॉक से इसको इम्प्रूव करके 2 क्लॉक का बस साइकिल बना दिया। बस साइकिल क्या चीज़ होती है हम आगे जब इसकी डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ इसके सामने आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी। और 132 पिन पैकेज था, 275K ट्रांजिस्टर इस प्रोसेसर में लगे हुए थे, तो इसकी बहुत से वेरियंट्स जो है वो 386 के जो है वो उस जमाने में EX, SL, SX, DX के नाम से आते रहे। फिर उसके बाद 4 साल बाद 1989 में 8486 के नाम से जो है प्रोसेसर बना। इसकी डाटा की और एड्रेस की उतनी लाइन्स थी, प्लस इसमें 8 किलोबाइट की कैश भी ऐड की थी। और एक बड़ा पैरामीटर ये था कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है वो 6 से 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड पर जो है वो इम्प्रूव हुई। इसमें को प्रोसेसर ऐड हुआ और बहुत सारी जो है वो इसमें ये लिखा हुआ है 5 स्टेज पाइपलाइन थी, 168 पिन कनेक्शन इसका पिंस थे, 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे और 25 मेगाहर्ट्ज़ इसकी इनिशियल क्लॉक थी जो बाद में फिर वो DX2, DX3, DX4 के नाम से 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो क्लॉक है इस पे इसका ऑपरेशन जो है वो डेवलप किया गया। और एक तो है कि प्रोसेसर की अपनी स्पीड क्या है और दूसरा ये होता है कि जो एक्सटर्नल IO डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके साथ जो डाटा की हैंडलिंग की स्पीड है वो क्या है। तो ये 100 मेगाहर्ट्ज़ तो प्रोसेसर की अपनी स्पीड थी लेकिन जो IO के साथ डाटा ट्रांसफ़र था वो 33 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर था। और जो AMD ने इसके मुकाबले में इक्वलेंट प्रोसेसर बनाया उसमें जो है 40 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जो है वो IO ट्रांसफ़र था, IO मेमोरी ट्रांसफ़र था, और 120 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल के ऊपर जो ये ऑपरेटेड था। तो इसके और भी जो वर्जन्स थे वो उस ज़माने में बनाए गए। फिर उसके बाद 1993 में जो ये नंबर सीरीज थी इसको छोड़ दिया गया और नंबर सीरीज के बजाय फिर एक नया नाम दिया जिसको कहा गया Pentium। और Pentium की जो सीरीज है इसका जो एक बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि 32 बिट के डाटा के बजाय 64 बिट का डाटा जो है वो आपका अवेलेबल था और 64 बिट की जो है वो अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल थी। एड्रेस का जो साइज था वो 32 ही था और 16 GB की कैश थी, 110 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड थे। इनिशियली 66 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आया था, बाद में फिर जो है इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी थी स्पीड की वो भी जो है वो इम्प्रूव हुई थी। और इसमें जो था वो 2-way सुपर स्केलर आर्किटेक्चर था। अभी सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे और 273 पिंस का ये Pentium प्रोसेसर जो है वो उस ज़माने में इनिशियली लॉन्च किया गया। फिर Pentium की सीरीज़ के साथ ही इसके मुख्तलिफ वर्जन जो हैं वो Pentium Pro के नाम से, Pentium 2 के नाम से, Pentium 3 के नाम से, Pentium 4 के नाम से ये आते रहे। और इनमें जो है वो तकरीबन जो डाटा का और एड्रेस का साइज़ था वो एक जैसे रहा, 64 बिट का डाटा था और 36 बिट की जो है वो एड्रेस की लाइन थी, बाकी जो है वो कैशेस थी और बाकी उसकी स्पीड की इम्प्रूवमेंट्स थी। और इसके साथ साथ जो है वो फिर इसके Xeon जो प्रोसेसर सर्वर के लिए वो थे। और जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे, एक ही पाइपलाइन आर्किटेक्चर है और एक जो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ये था कि एक वक्त में दो प्रोसेसर या दो से ज़्यादा प्रोसेसर मौजूद हैं और वो पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि जब मेमोरी से प्रोग्राम रीड होता है तो रीड होने के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं वो डिफरेंट जो CPUs मौजूद हैं उनमें पास हो जाती हैं और एक वक्त में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो 8486 के ज़माने से डेवलप कर लिया गया था। ये आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है, देखें आप, तो सबसे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं
कि आपके पास 486 है, 80486, इसमें आप देखिए एक तरफ लिखा हुआ है सीपीयू, एक तरफ लिखा हुआ है को प्रोसेसर, और नीचे ट्रायंगल में लिखा हुआ है 8K L1 कैश। अब आप में से किसी के जहन में कैश का कॉन्सेप्ट है तो बता दें क्या है, कैश किसे कहते हैं? एनीवन जिसके जहन में कैश का कॉन्सेप्ट हो, कैश क्या चीज होती है? तो कैश का कॉन्सेप्ट ये है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो तो तेज होती है, ज़्यादा होती है, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी की स्पीड उससे बहुत कम होती है। इसीलिए जब प्रोसेसर मेमोरी से डाटा रीड या राइट करता है तो प्रोसेसर को अपने बस साइकिल की स्पीड स्लो करनी पड़ती है और बस साइकिल को एक्सटेंड करना पड़ता है ताकि एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा का रीड राइट परफॉर्म किया जा सके। अब जो मेमोरी, जो रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर लगे हुए होते हैं वो तो प्रोसेसर की स्पीड के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी लगी हुई होती है वो बहुत स्लो होती है, और उस स्लो स्पीड की मेमोरी की वजह से जब इंस्ट्रक्शन रीड होगी, डाटा रीड होके आएगा या रिजल्ट वापस मेमोरी में राइट करवाया जाएगा, उसकी वजह से अच्छा खासा टाइम जो है वो ज़ाया होगा, इसलिए कि मेमोरी की स्पीड जो है वो प्रोसेसर के मुकाबले में बहुत कम है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें प्रोग्राम रखा हुआ होगा, और लेकिन हम क्या करेंगे कि एक फास्ट स्पीड की मेमोरी होगी जिसको हम कैश कहेंगे, और वो कैश जो है उसकी स्पीड तकरीबन प्रोसेसर की स्पीड के बराबर होगी। तो हम इन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी है उसमें से इंस्ट्रक्शंस और डाटा को उठा के उस कैश मेमोरी के अंदर ले आएंगे ताकि रन टाइम के ऊपर प्रोसेसर को स्पीड कम ना करनी पड़े और वो कैश में से इंस्ट्रक्शन भी उठा ले, कैश में से डाटा भी उठा ले, उसको प्रोसेस भी कर दे, उसका रिजल्ट भी निकाल के कैश में वापस डाल दे, जिस दौरान माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा इस दौरान जो कैश कंट्रोलर है वो कैश को अपडेट कर दे और जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है उसको वहाँ से हटा दे और उसकी जगह नई इंस्ट्रक्शन को आगे पुश करके जो है वो अपडेट कर दे, और इस दौरान जो मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठा के लानी है वो उठा के ले आए और जो मेमोरी में रिजल्ट सेव करवाने हैं वो रिजल्ट सेव करवा दे। तो गोया कैश जो है बीच में एक इंटरफेस है एक तरह का कि जिसमें आपके पास इन एडवांस एक्सटर्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस और कोड ला के रखा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को रन टाइम पे एक्सटर्नल मेमोरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता या एक्सटर्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करना पड़ता, बल्कि वो कैश में से ही उठा देता है, कैश में रिजल्ट सेव करवा देता है और पैरेलल जो है वो कैश का जो कंट्रोलर है वो एक्सटर्नल मेमोरी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्ट्रक्शन लोड करके भी लाता रहता है और जो रिजल्ट हैं वापस मेमोरी में सेव भी करता रहता है। तो इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोसेसर के अंदर ही एक कैश मेमोरी डेवलप की जाए, उसको L1 कैश कहते हैं, L1 कैश जो प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन मौजूद होती है। दूसरी जो कैश है उसका कॉन्सेप्ट L2 का कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल मदरबोर्ड के ऊपर वेरी नियर टू द प्रोसेसर जहाँ चिप लगी हुई होगी तो एक्सटर्नल स्लॉट में एक कैश मेमोरी जिसकी स्पीड प्रोसेसर की स्पीड के बराबर हो वो लगाई जाए तो वो L2 कैश है। तो गोया ओवरऑल जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी से L2 में डाटा लोड होके आएगा, वहाँ से L1 में पास होगा, L1 से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से फिर रिजल्ट L1 में आएगा। तो बाय दिस वे एक ओवरऑल जो हैंडलिंग कैपेसिटी थी
उसको जो है वो डेवलप किया गया। तो शुरू जमाने में जब 8086 प्रोसेसर था तो उसके साथ को प्रोसेसर अलहदा था, 286, 386 के साथ भी को प्रोसेसर जिसको मैच को प्रोसेसर कहते हैं वो अलग आया करता था। तो 86 में ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट आया कि जी को प्रोसेसर को भी मेन प्रोसेसर के अंदर ही डेवलप कर लिया जाए। तो यहाँ से ये जो सुपर स्केलर का आर्किटेक्चर है इसकी एक बुनियाद पड़ी कि एक वक्त में प्रोसेसर के अंदर दो CPU मौजूद हैं और वो दोनों तरह की सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी और जो एक तरह की साइंटिफिक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके बाद पेंटियम बना, तो पेंटियम में इन रियल सेंस जो आपका सुपर स्केलर का आर्किटेक्चर था उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और इसमें आप देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है CPU 1, CPU 2 और आगे लिखा हुआ है को प्रोसेसर और नीचे लिखा हुआ है 61K L1 कैश। ये पेंटियम नाम भी चेंज किया गया और पेंटियम के साथ जो ये सुपर स्केलर का कॉन्सेप्ट है इसको भी जो है वो लाया गया। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वक्त में ओवरऑल प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा CPU मौजूद हैं और रन टाइम पे जब इंस्ट्रक्शंस रीड होके आती हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं उनको एक ही वक्त में दो CPU को पास कर दिया जाता है और दोनों CPU एक ही टाइम में को एग्जीक्यूशन करके दो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके या दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट्स जो है वो बना लेते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डबल जो है वो एक तरह की जो कैपेसिटी है वो प्रोसेसर की हो गई और पहले जो एक वक्त में एक काम हो रहा था अब एक वक्त में दो काम प्रोसेसर कर सकता है। और फिर उसके बाद पेंटियम प्रो बनाया गया, उसमें फिर जो है वो तीन CPUs जो है डेवलप किए गए, CPU 1, CPU 2, CPU 3 और साथ मैच को प्रोसेसर भी था, L1 कैश भी थी, L2 कैश भी थी। तो गोया एक वक्त में तीन इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल एग्जीक्यूट करवाया जा सकेगा विद इन द प्रोसेसर, तीन डिफरेंट CPUs मौजूद हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन आई रिपीट कि दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, कि एक वक्त में एक प्रोसेसर में एक से ज़्यादा CPU होंगे और वो इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और फिर पेंटियम प्रो के बाद पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 के जो मॉड्यूल्स आए थे उनमें भी तीन CPU थे, एक को प्रोसेसर था और 32K की L1 कैश थी और 512 या 5236K की L2 कैश जो है वो इसके साथ प्रोसेसर में एक्सटर्नल लगाई जा सकती थी। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू था कि 4004 से लेके और पेंटियम तक और आजकल जो आ रहे हैं कोर i3, कोर i5, कोर i7 उसमें भी इसी किस्म का सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है और उसकी नंबर ऑफ पिन्स आप देखें, यहाँ मेरे पास लिखी नहीं है लेकिन बुक में शायद ये भी लिखा हुआ होगा कि उनकी नंबर ऑफ पिन्स और एड्रेसिंग कैपेसिटी और डाटा कैपेसिटी कितनी है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में एक मैकेनिकल हिस्ट्री डिस्कस की हुई है कि कैलकुलेशन के लिए किस तरह की मैकेनिकल टूल इस्तेमाल किए गए जाते थे। फिर 70s के ज़माने में प्रोसेसर बनने शुरू हुए, 70s से लेके आज तक के ज़माने में इंटेल ने जो डेवलपमेंट की वो क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसी है और उसका जो सिस्टम में यूज़ है इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है आपके सामने आई। और एक अगले आर्टिकल का जो पहली स्लाइड थी वो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस कर ली थी कि ओवरऑल जो सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे कि उस सिस्टम में तीन पैरामीटर्स हैं, एक प्रोसेसर इटसेल्फ है, एक उसका मेमोरी सिस्टम है, एक उसका आईओ सिस्टम है। और इसी के हवाले से मैंने आपसे कहा कि पूरे कोर्स में हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 6 चैप्टर मैगे प्रोसेसर डिस्कस करने में आएंगे और तकरीबन 1 चैप्टर मेमोरी सिस्टम डिस्कस करने में आएगा और तकरीबन 4 या 5 चैप्टर जो है वो आईओ सिस्टम को डिस्कस करने में आएंगे इंशाल्लाह। रफली 16 वीक्स में से आपके 12 वीक्स जो है वो लगेंगे इसमें और 12 वीक्स में सारा हम पोर्शन कवर करेंगे और आखिरी जो 4 वीक्स होंगे उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर का एरिया है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो रेफरेंस बुक या जो नोट्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। फिल वक्त मैंने आपका जो ये टीम की सॉफ्टवेयर है इसमें फाइल सेक्शन में बुक अपलोड कर दी है, हार्ड कापी आपको लाइब्रेरी से मिल सकती है और जो लेक्चर स्लाइड के साथ साथ चलती रहेंगी वो भी आपको अपलोड करते रहेंगे। तो ये तकरीबन आज तक के लेक्चर का खुलासा था, कोई सवाल हो तो पूछ लें।
एनी क्वेश्चन सर जो 86 के बाद हमने जितने भी प्रोसेसर पढ़े हैं उनमें 16 बिट वाला ही वो यूज करेंगे हम वो यूज हुआ हुआ है दोबारा स्ट्रक्चर जो भी है देखिए अगेन आई रिपीट कि इंटेल का डिसीजन ये था कि 8086 की जो मुकम्मल कोर है जिसमें उसकी तमाम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन से लेके तमाम उसकी इंटरनल इंस्ट्रक्शंस तक उसका जो सिस्टम है वो इंटैक्ट रखा जाएगा और जो डेवलपमेंट भी होगी गोया वो उसके ऊपर होगी। तो जिस किसी ने 8086 के ऊपर कोई एप्लीकेशन डेवलप की है सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सिस्टम डेवलप किया है तो वो उसको अगर आज के किसी लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर के ऊपर भी चलाना चाहेगा तो वो एज इट इज चलेगी। और अभी भी आप गौर कर लें आपके पास ये विंडोज एक्सपी है विंडो का कोई भी सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर कोई पुरानी एप्लीकेशन जिसको डॉस बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं वो आप चलाते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है जिसका ब्लैक बैकग्राउंड होता है और उसमें आप टाइप करके कमांड्स लिख सकते हैं। तो ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डॉस का 8086 प्रोसेसर के ऊपर चला करता था और उसके रिसोर्सेज भी वही हैं जो कि 86 के रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइज विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस साइज। इसलिए वहाँ पे ये बताया गया था कि 86 में जो एड्रेसिंग सिस्टम था उसको कहा गया कि रियल मोड एड्रेसिंग सिस्टम है और उसके बाद जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई उसको कहा कि ये प्रोटेक्टेड मोड ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम। तो गोया जो प्रोसेसर आज का भी बूट होगा या बूट नहीं भी होगा तो बाद में भी उसमें एक तरह की कैपेबिलिटी होगी कि जब आप कोई पुरानी एप्लीकेशन चलाएंगे 86 वाली तो वो उसके अंदर जो रियल मोड ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम है वो उसके अंदर इंटैक्ट होगा और जो 86 के तमाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स हैं वो उस एप्लीकेशन को नजर आ रहे हों और जो एडवांस एप्लीकेशंस होंगी और जो नए सॉफ्टवेयर होंगे और जो नई चीज़ें होंगी वो सारे जितने एडवांस फीचर्स होंगे एड्रेस के वर्सेस डाटा के वर्सेस इंस्ट्रक्शन के वर्सेस वो सारे के सारे तो प्रोटेक्टेड मोड में होंगे और जो गोया इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शन हैं 86 की इंस्ट्रक्शंस के बाद जो अगले इंस्ट्रक्शंस का एडिशनल सेट डेवलप हुआ तो उन इंस्ट्रक्शंस के साथ हों। और इसमें एक बात समझने वाली और भी है वो ये कि हार्डवेयर पहले डेवलप होता है और उसके मुकाबले में जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर है वो उसके बहुत बार डेवलप होता है। यहाँ आप देखें मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ आप जरा गौर से देखना ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक मिनट ये देखें ये 85 में ये आप देखें नज़र आ रहा है 85 में ये 32 बिट का प्रोसेसर बनाया गया ठीक है 1985 में 32 बिट का प्रोसेसर बनाया गया लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कब बना एनीवन इसलिए कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था ये 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था कंपेटेबल टू 8086 जबकि उसके मुकाबले में 286 386 और आगे चल के 486 माइक्रो प्रोसेसर भी बन चुके थे लेकिन इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था वो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था जबकि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 1985 में बन चुका था लेकिन 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 के 10 साल बाद 1995 में आया तो प्रोसेसर का हार्डवेयर जो है वो 32 बिट कैपेबल था लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 साल के बाद वजूद में आया तो हार्डवेयर पहले डेवलप हो जाता है और उसके मुकाबले में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो उसके कई साल बाद डेवलप होता है। ऐसे ही आजकल 64 बिट का प्रोसेसर है तो 64 बिट का प्रोसेसर तो शायद बन गया था 1993 में पेंटियम प्रोसेसर जो है वो 64 बिट का 1993 में बन गया था लेकिन जो गालबन 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2000 के बाद आया सन 2000 के बाद आया। तो अगेन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एक तो प्रोसेसर की हार्डवेयर कैपेबिलिटी है और एक उसके रिसोर्स को इस्तेमाल करने की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी अक्सर बहुत सालों के बाद डेवलप होती है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो उसके भी बहुत बार डेवलप होते हैं। अच्छा जी अब एक बात ये सुन लें आप
कि शेड्यूल में तो इस वीक में दो क्लासें हैं, दूसरी क्लास जो जुमेरात को पहला पीरियड है, लेकिन कुछ मैसेज अभी आया था, अभी मैं कंफर्म करके आप पास कर दूंगा। एक मैसेज ये आया था कि इस वीक में एक ही क्लास होगी, अगले वीक से दो क्लासें शुरू होंगी कोई रिवाइज टाइम टेबल के साथ। तो जैसा कैसा भी होगा आपको टीम में मैसेज मिल जाएगा, अगर जुमेरात की क्लास होगी तो भी मैसेज मिल जाएगा, और अगर अगले दोबारा मंगल को होगी तो भी मैसेज मिल जाएगा। ठीक है सर, तो विल मीट अगेन मे बी ऑन थर्सडे और मे बी ऑन नेक्स्ट। अभी आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी अगली क्लास पढ़े, तो उस वक्त के लिए आपसे खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।